तो मैंने अभी आज डिलीटेड पोर्शन तुम लोग को भेजा है, ठीक है, तुम लोग को मिला होगा, तुम्हारे व्हाट्सएप में मैंने भेज दिया है। तो जैसे तुम लोगों ने देखा कि हमने लास्ट क्लास में ये किया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, मैंने इतना ज्यादा प्रेसाइज इसमें नहीं किया जितना मैंने ट्रिग्नोमेट्री में किया था। तुम बोलोगे सर थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, कुछ ज्यादा सम्स आपने नहीं कराया, क्योंकि देखो ये डिलेटेड पोर्शन है तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने का भी जरूरत नहीं। हाँ, मगर ऐसा भी नहीं है कि हम 0% जान रहे हैं कि अगर 12th में हमें जरूरत पड़ा तो हम उसे अब यूज कर पाएंगे। तो जैसे तुम्हें हर टॉपिक में वैसा कुछ ना कुछ मिलेगा। मैं ये दोनों जब हम लोग कर रहे थे तब तो हमें नहीं पता था क्या डिलीट होने वाला है, तो इसलिए ये सब डिलीट हो गया। हाँ, डिफरेंस ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो वो जब तो कॉम्प्लीमेंट के साथ जो प्रूफ करते थे हम लोग, अब नॉर्मली वो प्रूफ नहीं आएंगे तुम लोगों का जो चांसेस हैं, ठीक है। स्कूल अगर स्कूल क्या एक्चुअली में देखो क्लास 12th में जिस टाइप से फॉलो अप होगा, ये 11th में एक्चुअली में ये इतने स्ट्रिक्टली ऑर्डर से फॉलो अप होने वाला नहीं है स्कूल में। रेस्पेक्टिव स्कूल जैसा भी करवाते हैं वैसा ही होगा, क्योंकि ये पहले भी था कि स्कूल्स कुछ चीज डिलीट करते थे, टीचर्स कुछ चीज नहीं पढ़ाते थे, इससे पहले भी होता था। ए बाय साइन ए, बी बाय साइन ए वाला फॉर्मुला कोई स्कूल कराता था, कोई स्कूल नहीं कराता था। कोई स्कूल हाफ ईयरली में फुल सब्जेक्ट एनुअल में फुल पूछता था, कोई स्कूल एनुअल में जाके केवल 50% ऑफ द सिलेबस पूछता था। तो इसलिए बोर्ड लेवल में हम नहीं कह सकते हैं, 11th में हम इतना नहीं कह सकते हैं, ये बड़ा टीचर डिपेंडेंट होगा। जैसे किसी के स्कूल में क्या ट्रिग्नोमेट्री हो गया है, हाँ, जैसे पॉसिबली आर्मी पब्लिक, तो अगर वहां पे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा करवा दिया गया है तो हो सकता है कि दे विल डू इट, दे विल आस्क यू इन द एग्जाम, ठीक है। तुम अब क्योंकि 11th में तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो कि, और सीबीएसई ने ये नहीं बोला है कि उस चीज को समझाओ ही मत। सीबीएसई का कहना है कि ये डिजायरेबल नहीं है कि तुम इससे क्वेश्चन पूछो, मगर अगर तुम सिखा देते हो, मतलब मैं स्कूल का बात कह रहा हूँ, तो तुम ये नहीं बोल सकते हो कि सर सीबीएसई ने डिलीट किया, आपने हमें क्यों सिखाया क्लास 11th में, ठीक है। अब ये पीएमआई, मगर एक जो चैप्टर फुल डिलीट है उसका बात थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे पीएमआई जो है वो फुल डिलीटेड चैप्टर है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक बाद पीएमआई था, मगर मैं वो अभी नहीं करूंगा, ठीक है। आई विल वेट तुम लोग के स्कूल्स के लिए कि स्कूल में क्या हो रहा है, क्या स्कूल में चीजें करवाया जा रहा है, ठीक है, या एकदम डिलीट कर दिया जा रहा है। अगर किसी के स्कूल में करवा दिया जाएगा पीएमआई तो घबराना नहीं है कि रुपेश सर ने डिलीट कर दिया, अब मेरा क्या होगा, मैं तो मजार में फंस गया, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं खत्म करूंगा। मगर फुल डिलीटेड चैप्टर को चांसेस थोड़ा कम है कि स्कूल में कराया जाएगा। फुल डिलीटेड चैप्टर का बात थोड़ा अलग हो जाता है और पार्शली डिलीटेड चैप्टर का बात अलग हो जाता है। आज जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें पोलर रिप्रेजेंटेशन मैं थोड़ा सा बताऊंगा और स्क्वायर रूट भी थोड़ा सा बताऊंगा, हालांकि ये डिलीटेड पोर्शन है। ऐसे ही मैं नीचे आते जाऊंगा तो मैं बताते जाऊंगा कि यहाँ पे क्या चीज किस टाइप से क्या करना है। तो चीजों को थोड़ा शुरू करते हैं, ठीक है। किसी को डिलीट कुछ पूरी तो पूछ सकते हैं, या स्कूल में अगर डिलीटेड चैप्टर के बारे में कुछ बताया गया है तो वो हम लोग के साथ भी शेयर कर सकते हो, बाकी लोग भी सुनेंगे। क्यू का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चैप्टर 5। चलो दो मिनट को मैं कुछ देख रहा हूं। चलो ठीक है। गूगल में एक टेस्ट तुम लोगों का लिया गया था, ठीक है, तो तुम लोगों में से कईयों ने वो दिया है, ठीक है, तो उस टाइप से वो टेस्ट नहीं है। तो उस टाइप से मैं इस बार मैंने पॉइंट नहीं दिया था। कभी कभी मैं ऐसे ही अगर बैठा रहूंगा तो गूगल में टेस्ट बनाना थोड़ा आसान होता है मेरे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वाले में। मैं जब बनाता हूँ उस वाले में अपने
वेबसाइट में तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसमें एक फीलिंग भी आता है टेस्ट का, तुम्हें लॉग इन करना होता है, वो फुल एक सिलेबस का होता है बाद में जाके। तो कभी कभी मैं गूगल में इस टाइप से टेस्ट तुम लोग को दिया करूंगा, जस्ट बिंदास होकर टेस्ट सब दिया करो, ठीक है? ऐसा नहीं है हर समय टेस्ट के बारे में हाँ टेस्ट है ये मत सोचो, ठीक है? वो बस एक चेक करने के लिए मैंने दिया था कि हाँ कैसे गूगल में बनाया जाता है। मगर गूगल में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि गूगल में टाइम लिमिट नहीं दिया जा सकता है, ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएटिंग चीज है उसका, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटिंग चीज है। चलो तो शुरू करते हैं। तो बात यह हुआ कि बहुत सालों तक, सेंचुरीज तक, रूट आवर माइनस वन जब भी मिलता था मैथमेटिशियन लोगों को, वो बोलते थे कि भैया ये मैं रियल नंबर नहीं है और इसके ऊपर हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। ये मिलते ही बोलते थे जो तुम लोग क्लास टेंथ में कहते थे कि नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल अभी भी रियल नंबर में है। मगर उसके बाद यूलर नाम का एक मैथमेटिशियन आया, उसने बोला चल बेटा सॉल्व तो नहीं कर पाते, एक काम करता हूं इसका एक सिंबल दे देता हूं आई। जस्ट यूलर ने क्या किया, एक सिंबल दिया, उसने और कुछ नहीं किया रे अभी तक, हाँ आगे उसने कुछ डेवलप किया, सिंबल दिया, यही जीनियस है, ठीक है? तुम बोलोगे सर उसने सॉल्व क्यों ना किया, माइनस आई का रियल नंबर में कोई इक्विवेलेंसी है ही नहीं। देखो पाई भी एक सिंबल है मगर पाई का एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 3.14, ई भी एक सिंबल है मगर ई का एक वैल्यू है 2.73, मगर आई का कोई वैल्यू नहीं है, आई जस्ट एक सिंबल है। तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा कैसा, बात ये आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर मिल कब रहा था, कैसा ये आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिल कब रहा है, पहले हमें ये देखना है। तो कॉम्प्लेक्स अगर माइनस आई को हमने माइनस वन दे दिया तो खूबसूरत चीज ये हुआ कि अब हम माइनस फोर के बारे में कुछ बोल सकते हैं। माइनस फोर को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस वन इंटू फोर और फोर बाहर आ सकता है, तो ये टू इंटू रूट ऑवर माइनस वन, इसका मतलब ये टू आई हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि रूट ऑवर ऑफ माइनस 36 क्या होगा, माइक्रोफोन खोल के बोलो, 6i, ठीक है? और रूट ऑवर ऑफ माइनस 19, घबराओ मत सर रूट से कुछ बाहर नहीं निकलेगा, रूट ओवर 19, तो घबराना नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब है जब हम क्लास टेंथ में, अब जैसे हम लोग क्लास टेंथ में जब हमें मिलता था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो को सॉल्व करो, तो हम लिखते थे एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस फोर डिवाइडेड बाय टू और नॉट पॉसिबल, ये लिखते थे ना क्लास टेंथ में, हाँ ये सही है, नॉट पॉसिबल इन रियल नंबर। मगर अब जब तुम्हें ये क्लास इलेवेंथ में मिलेगा तब क्या करेंगे, प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो मतलब x का वैल्यू अब हम लिखेंगे माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू, और रूट ओवर माइनस थ्री के बदले क्या लिख सकते हैं बोलो, बस सिंबल यूज कर रहा और कुछ नहीं, i रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू, मैं बस अभी एक सिंबल यूज कर रहा हूं कि हाँ तुम i लगा सकते हो, मैं और कुछ नहीं बता रहा हूं। तो मतलब तुम्हें दो नंबर मिलेगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा ही दिखता है, मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमें ऐसा दिखता है, जैसे अगर मैं बोलूंगा कि 3 प्लस रूट ओवर ऑफ माइनस 4, ये क्या होगा, तब बोलो, बोलोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है? थोड़ा इंडक्शन हो, 3 प्लस रूट 4 तो 2i बाहर आ जाएगा, 3 प्लस 2i, ठीक है, 3 प्लस 2i। या अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि 3 प्लस रूट ओवर ऑफ माइनस 24, तो माइनस 24 से जब बाहर निकलेगा तो वो 2√6 हो जाता है। और तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से दिखाते हैं, तरीका है ये बस, हाँ ये जो थ्री पार्ट है इसे हम रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ये सब डेफिनेशन है, हाँ ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, केवल ये, केवल 2√6, केवल ये, मतलब
जब तुम ए जेड कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर तुम ए प्लस आई बी लिखते हो जिसमें ए और बी रियल होना अब जरूरी है, तो ए को क्या बोलोगे? आर ई ऑफ जेड, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, हाँ, और बी को क्या बोलोगे? आई एम ऑफ जेड, मतलब इमेजरी पार्ट ऑफ जेड। क्या यहां तक लिख लोगे? फिर आगे चलेंगे, कहीं भी डाउट है तो मुझे बोलोगे, ठीक है? कहीं भी, बस पहला एक डाउट है सर, माइनस वन का वैल्यू क्या है? तो मैं वो डाउट मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया है, मुझे लग रहा है कि माइनस वन का कोई वैल्यू नहीं है, मैंने बस अभी एक सिंबल दिया है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। दो मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर आगे चलता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर किसी के स्कूल में हो गया है? हाँ सर, एमपीएस में हो रहा है। क्या बोलते हैं, कोई वर्कशीट दिया है क्या? सर वर्कशीट नहीं दिया अब तक, मतलब कल खत्म हुआ था। ठीक है, किसी को भी कोई वर्कशीट देने से मुझे एक बार भेज दोगे, ठीक है? मतलब मेरे पास अभी तक एक भी वर्कशीट नहीं आया है उस स्कूल सबका, तो मुझे आइडिया नहीं लग रहा है कि मतलब स्कूल किस टाइप का सम पूछेगा, क्या करेगा, कुछ सेम ही होगा मुझे मालूम है, मगर मुझे तब भी थोड़ा एक ऑब्जेक्टिव सम का एक आइडिया चाहिए कि स्कूल किस टाइप से ऑब्जेक्टिव सम को इस बार पूछने वाला है तुम लोगों का। अच्छा लगता है तुम लोग कॉपरेट कर रहे हो, कुछ बंदे लोग मुझे गूगल में जो मैंने एग्जाम लिया वो दिया, कोई बंदा लोग मुझे भेज रहा है, फोटो भेज रहे हो सॉल्व करके, मतलब अपने आप को ऐसे इंगेज रखना है, समझ में आया? चीजों को करते हुए जाना है, पुरानी चीजों को नहीं भूलना है। आगे चलो। यस सर। नो सर। आगे चल। आगे चल रहा हूं। तो इसका मतलब है, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी तुम लोगों को मुझे जरूरत होगा। तो अगर मैं बोलूंगा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने दिया, रूट ओवर 36 प्लस रूट ओवर ऑफ माइनस 25, तो रिड्यूस करके बोलो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या। एकदम तुम लोग सर बच्चों वाला समय। हाँ, 6 प्लस 5 i, तो रियल पार्ट ऑफ जेड 6, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 5, ठीक है। तो एक्चुअली में अब मैं आता हूं सेकेंड टॉपिक में, जिसका नाम है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा तो दिखने से ही लग रहा है, ठीक है, कि रियल पार्ट सेम होना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट सेम होना पड़ेगा, मतलब तो दिस इंप्लाइज, ये दिखने से ही लग रहा है कि ये इसके इक्वल होना पड़ेगा, ये इसके इक्वल, क्योंकि रियल रियल के इक्वल होगा, a1 इज इक्वल टू a2, और क्या, b1 इक्वल टू b2। तुम बोलोगे सर इसका और भी कोई प्रूफ है क्या? एक छोटा सा प्रूफ है, मगर ये सब कोई बहुत खास चीज नहीं है कि सबको एक साइड लेके आ जाओ। तो a1 माइनस a2 हो जाएगा प्लस i टाइम्स ऑफ क्या, b1 माइनस b2। अब अगर ये जीरो है तो इंडिविजुअली दोनों को जीरो होना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है ना जीरो होना, क्योंकि i तो रूट ऑवर माइनस वन है, उसे जीरो, वो तो जीरो नहीं है। तो अगर ये जीरो है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, a1 इज इक्वल टू a2 और b1 इज इक्वल टू b2। तो मतलब अगर तुम्हें अब मैं बोलूंगा कि फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स माइनस ट्वाइस वाई प्लस आई टाइम्स ऑफ वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस ट्वाइस एक्स आई वेयर एक्स वाई इज रियल, तो तुम बोलोगे सर ये तो क्लस्टेंट वाला सम हो गया। अगर ये दोनों सेम है तो इनके रेस्पेक्टिव रियल पार्ट हम ऐसे, इसे हम लोग लिखते हैं वी कंपेयर, किसको कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को।
तो अगर रियल पार्ट को कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, रियल पार्ट को अगर कंपेयर करें तो x माइनस ट्वाइस वाई का वैल्यू 4 मिलेगा, और इमेजिन क्योंकि एक्स वाई रियल है हा? तो अगर इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो y माइनस थ्री का वैल्यू ट्वाइस x। तुम बोलोगे सर छोड़िए क्यों बोर करते हो, सॉल्व करना हम जानते हैं, मुझे भी मालूम है, जानते हो, कर लेना, एक एक करके आगे चलना हो, लिखना है तो लिख लो, कहीं भी कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछोगे। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेम होता है तो उनका रियल पार्ट सेम होता है और उनका इमेजिनरी पार्ट सेम होता है। बोर्ड लेवल में एकदम आसान टॉपिक है, आगे चलूं, समझ में आया, ये समझ में आया, यहां तक किसी को डाउट है, कुछ पूछ सकते हो रे जब मैं चुप रहता हूं, तो कहीं भी डाउट है तो। आई एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, वो एक सिंबल है, बस इतना याद रखो, आई एक सिंबल है, मतलब ये कोई नया चीज थोड़ी ना है। हम लोगों ने जब सर्च पढ़ा था, जब हम लोगों ने सर्च पढ़ा था तब हमें मालूम है, अगर मैं कहूं कि ए बी एक नेचुरल नंबर है और तुम्हें कभी मैं लिखूं a प्लस बी रूट टू इज इक्वल टू फाइव प्लस सिक्स रूट टू, तो क्या करते थे, क्या a और b नहीं निकाल पाओगे, हाँ या ना? हाँ सर, हाँ काम करते थे ना रे, क्योंकि तुम जानते हो कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है जो नेचुरल नंबर के साथ नहीं मिलता है, मतलब ये दोनों सॉल्युबल सब्सटेंसेस नहीं है, तो कंपेयर करने से तुम क्या करते थे, ए को 5 ले लेते थे, बी को 6 ले लेते थे। वही चीज अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम्हें बोल रहा हूं कि आई सॉल्युबल नहीं है रियल नंबर के साथ। अगर ए भी रियल नंबर है, मैं तुमसे अगर कभी बोलूं कि ए प्लस आई बी इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आई, तो क्या ए और बी नहीं बोल पाओगे, अभी मैंने कहा क्या, हाँ बोल पाओगे क्या, ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 3 है, मगर ए बी का रियल होना जरूरी है, ए बी अगर आपस में कॉम्प्लेक्स है तब कैसे कंपेयर करोगे, तुम देखोगे क्यों मैं वो बात बोल रहा हूं, ठीक है, तो कोई नया चीज नहीं है, बेसवर्क हमारा पहले जानते थे, जो चीज हम लोग इरेशनल नंबर रैशनल नंबर में कर रहे हैं वही कुछ चीजों को अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सटेंड कर रहे हैं। चलो तो आगे चलूं? यस सर। चलो तो ये था तो इक्वालिटी, तो एडिशन अब कैसा होता है, तो एडिशन कैसा होता है, तो दोबारा मैं तुम लोग को वही बोलूंगा, सर्च में हम लोग क्या करते थे, जब तुम सर्च में करते थे 2 प्लस 5 रूट 2 प्लस 7 प्लस 8 रूट 2, तो क्या करते थे, क्या 2 8 के साथ ऐड होता था, नहीं ना, नहीं ना, क्योंकि रैशनल रैशनल के साथ ऐड होता था, इरेशनल इरेशनल के साथ ऐड होता था। तुम बोलोगे सर क्या बोर कर रहे हो, ये चीज हमें भी मालूम है, हाँ मैं बस बोल रहा हूं कि तो ये 8 इसके साथ ऐड हो जाता, 7 प्लस 2 9, 8 प्लस 5 13 रूट 2। तो सिमिलरली में भी जब तुम्हें एडिशन बोला जाता है कि a1 प्लस ib1 प्लस a2 प्लस ib2, तो इसे हम लोग कंपोनेंट वाइज एडिशन कहते हैं, कंपोनेंट वाइज एडिशन। कंपोनेंट वाइज एडिशन का मतलब है रियल रियल के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड होगा, तो डिफरेंस में भी वही होता है, a1 प्लस ib1 माइनस ऑफ a2 प्लस ib2, रियल रियल के साथ a1 माइनस a2 i, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। मल्टीप्लीकेशन में ये नहीं होता है, वो मैं हर समय मैं सर्च का एक एग्जांपल लूंगा और उसके बाद फिर तुम लोग को बोलूंगा, तो उस चीज के लिए तुम्हें नहीं घबराना है।
ठीक है, तो वो ये सब चीजों को हम लोग धीरे धीरे देखते रहेंगे। तो इसीलिए अगर तो इसे क्या लिखाऊं, अभी वो तो जानते ही हो, मतलब अगर मैं बोलूं कि 2 प्लस 3i एग्जांपल क्या है, 2 प्लस 3i प्लस 5 6 प्लस रूट ओवर ऑफ माइनस 16, मतलब आ सकता है ये सब कि इसे ऐड करके बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो क्या करोगे, तो 2 को तो 2 लिखोगे, 6 2 को तो 6 के साथ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस क्या 3i, और रूट ओवर माइनस 16 क्या हो जाएगा 4i। मैं फिर से कह रहा हूँ, आई बस एक सिंबल है, समझ में आया। सबसे पहला कंफ्यूजन बंदे को ये होता है जब वो आई का एक वैल्यू निकालने का सोचता है। तुम देखो लास्ट 20 मिनट से मैं बस तुम्हें एक ही चीज बता रहा हूँ कि आई एक सिंबल है, उसे दिमाग में गांठ बांध के रख लो और कुछ नहीं है। तो दिस कैन बी रिटन एज 8 प्लस 4 प्लस 3 7i, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, तुम बोलोगे सर हेडिंग क्या दें, हेडिंग दे दो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सी एन, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। सर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नॉर्मली इससे दिखाया जाता है, हम लोग सी से दिखाया जाता है नॉर्मली। ओके सर। चलो आगे चल रहा हूं। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए, पॉसिबली क्लास 2 या 3 था, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो वैसे ही एडिटिव इनवर्स ऑफ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इज माइनस जेड। तो इसलिए कभी कभी तुमसे पूछा जा सकता है कि फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू 36 प्लस रूट ओवर ऑफ माइनस 25। तो तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो आप, जेड का वैल्यू 36 प्लस 5i है, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा 36 माइनस 5i, इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस z इज इक्वल टू, लोगे इंप्लाइज क्यों लोगे, तो माइनस 36 माइनस 5i, ठीक है। तो ये रहा, किसी को लिखना है तो लिख लो, मतलब एक नंबर सिस्टम समझा रहा हूं रे, तुम लोग एक नया नंबर सिस्टम सीख रहे हो तो एक एक चीज बताऊंगा और फिर उसके बाद आगे चलूंगा। चलो आगे चलूं, मेरे ख्याल में ये तो लिख ले होगे, चलो आगे चलता हूं। I रूट ओवर माइनस 1 था, तो i इंटू i क्या होगा, i स्क्वायर, मतलब रूट ओवर माइनस 1 का होल स्क्वायर, मगर होल स्क्वायर होने से तो रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा माइनस 1, मतलब मुझे पता चला i अगर रूट ओवर माइनस 1 है तो i स्क्वायर माइनस 1 है,
अब देखो फिर से मैं सर्च का एग्जांपल दे रहा हूं, जब तुम 3+√2 के साथ 4+3√2 मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होता था, पहले 4 3 12 प्लस 3 3 9 के साथ √2 आता था, प्लस 4 के साथ √2 आता था, प्लस जब तुम ये मल्टीप्लाई करते थे तो √2 √2 मल्टीप्लाई होकर रूट कैंसिल हो जाता था और वो 3 × 2 हो जाता था। तुम बोलोगे सर बहुत बोर कर रहे हो आप, ठीक है, मतलब मैं भी जान रहा हूँ कि ये थोड़ा बोरिंग था, मगर यही चीज तो अब मैं इसमें भी लगा सकता हूँ। सपोज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 4+3i को मल्टीप्लाई करो 6-2i से, तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब दिस कैन बी रिटन एज सबसे पहले 4 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 6 = 24। अब मैं पूरा ब्रेक करके नहीं लिख रहा हूँ, बच्चों की तरह की एसोसिएटिविटी दूं और फिर हाँ रियल नंबर के जो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे भी लगते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लगते हैं। तो 6 4 = 24 4 × −2 कितना होगा, 4 × −2 हो जाएगा −8i, प्लस 3i × 6 कितना हो जाएगा +18i, −3 × 2 कितना हो जाएगा 6i2। मगर तुम जानते हो कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या था -1, तो ये हो जाएगा 24 − 8i + 18i + 6। तो मुझे बोलोगे आंसर क्या होगा, 24 6 के साथ ऐड करेगा तो 30 हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेगा तो +10i हो जाएगा, खेला खत्म। क्या ये समझ में आया, जरा हाथ उठाओगे या किसी को डाउट है? चलो तो किसी को डाउट नहीं है तो ये लिख लो एक बार, और इसके बाद तुम सब लोग मुझे एक बार 3+2i मल्टीप्लाइड बाय 4 − 6i 4 − 5i का मल्टीप्लीकेशन बोलो क्या हो रहा है, या 4+5i का मल्टीप्लीकेशन बोलो क्या हो रहा है, ये लिख के मुझे फाइनल आंसर बोलो क्या हो रहा है। आया, आगे चलूं, किसी को डाउट है? डाउट है तो बोलोगे, शर्माओगे नहीं, खाने में और पढ़ने में शर्माओगे तुम्हारा नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है। 3+5 = 59 +4 = 8i + 10i2, मगर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो 12 + 23i - 10 मतलब 2+23i, खेला खत्म। ठीक है, वेरी गुड, आगे चल रहा हूं। तो कभी कभी 3 मार्क्स में आता है, जैसे प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 × real part of z2 −imaginary part of z1 × imaginary part of z2। तो जब ऐसे अननोन नंबर्स होते हैं तो इसे प्रूफ करने का एक ही तरीका है कि क्या करेंगे, हम लोग x1 y1 लेके दिखा देते हैं, जो काम मैंने ऊपर किया था वही काम मैं यहाँ कहूंगा, मगर इसे अच्छे से लिख के दिखाना होगा कि z1 को तुम क्या लोगे x1 + i y1। डू नॉट टेक 2 + 3i रे, मार्क्स कट जाएगा,
तुम्हें जनरलाइज प्रूफ करना है, समझ में आया? पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं पूछा है कि सो बाय एग्जाम्पल एक्स वन प्लस आई वन, तो रियल पार्ट ऑफ जेड वन मेरे पास एक्स वन है, इमेजरी पार्ट ऑफ जेड वन मेरे पास वाई वन है, जेड टू का वैल्यू एक्स टू प्लस आई वाई टू, तो रियल पार्ट ऑफ जेड टू मेरे पास एक्स टू है, इमेजरी पार्ट ऑफ जेड टू मेरे पास वाई टू है। तो अगर मैं अब क्या करूंगा, क्वेश्चन क्या पूछा, रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू, तो निकालता हूं। अगर मैं जेड वन इंटू जेड टू करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स वन प्लस आई वाई वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू प्लस आई वाई टू। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, पहले एक्स वन एक्स टू के साथ मल्टीप्लाई होगा, नहीं क्या, प्लस एक्स वन आई के वाई टू के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो एक आई रहेगा, आई एक्स वन वाई टू, प्लस वाई वन जब एक्स टू के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आई एक्स टू वाई वन प्लस आई स्क्वायर जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आई स्क्वायर वाई वन वाई टू। तुम बोलोगे सर क्या फायदा, बताता हूं। एक्स वन एक्स टू क्योंकि ये दोनों तो इमेजिनरी पार्ट है तो आई के साथ एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई वन, और आई स्क्वायर माइनस वन होने के कारण बोलोगे सर समझ में आ गया, मतलब जेड वन जेड टू का वैल्यू मेरे पास होगा एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू प्लस आई टाइम्स ऑफ एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई वन। तो मुझे बोलोगे इसका रियल पार्ट क्या है, ये वाला है ना, ये क्या हुआ, ये इसका रियल पार्ट है और ये वाला इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो अब इस वाले सिंबल से मुझे तब बोलोगे रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू क्या आया, रियल पार्ट ऑफ जेड वन तुम्हारे पास आया एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू। अब क्या एक्स वन कुछ है क्या, कलर कोड एक्स वन एक्स टू एक्स वन एक्स टू। तुम बोलोगे सर छोड़ दीजिए अब हो गया, हम लोग को अब ये तो हम भी लिख लेंगे आर वन जेड टू माइनस इमेजनरी इमेजनरी और इमेजनरी, तो क्या लिख सकते हो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वन इंटू इमेजनरी। मैं इसलिए ना और सब चीजों को ऐसा प्रूफ नहीं करूंगा, मगर ये आता है तो ऐसे करना है, तुम्हें पूरा चार मार्क्स मिल जाए, केवल चार मार्क्स ही नहीं, चीजों को देखो भी, हाँ समझो भी, लिखना है तो लिख लो। दो मिनट का टाइम देता हूं। खूब मेहनत करना है, सही मायने से मेहनत करना है और अपने मैथमेटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है। मैं प्लीज कहता हूं, देखो यार मैथमेटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए तुम्हें ये सब जो मैं देता हूं, असाइनमेंट सीट देता हूं, जो एग्जाम लेता हूं, कुछ दिया करो, मतलब कुछ तो क्या करो। हाँ बस एक ऐप को डाउनलोड करने से मैथमेटिक या मैथमैजिक नहीं होगा, जब तक हाथ में पेन और पेंसिल नहीं पकड़ोगे तब तक मैथमेटिकल लॉजिक डेवलप नहीं होगा। और मैथमेटिक्स का लॉजिक जब डेवलप होता है तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस फेस में दिखता है, ये हर समय है, तुम देखना हर समय होता है ये चीज, नहीं क्या। टेंथ तक तुम सबके फेस में जो एक चमक था उसका रीजन था कि तुम लोग मैथमेटिकली अच्छे थे। सेम चीज को अननेसेसरी, बहुत लोग अभी भी अच्छे हो रहे, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, तुम बोलोगे सर आप उसको बड़ा ही नहीं करते कि मैं बहुत काम करता हूँ, मुझे उससे कुछ बोलना ही नहीं है यार, जो मेहनत कर रहा है उसे क्या बोलूं, उसके लिए तो मैं एग्जाम ले रहा हूँ, उसके लिए मैं असाइनमेंट सीट दे रहा हूँ, उसका मेरा जो भाषा है वो वही है। तो बाकी लोगों का बात कह रहा हूँ जो इस पेंडेमिक सिचुएशन में थोड़ा सा लूज हो गए हो, तो अपने आप को लूज मत करो रे, ठीक है, क्योंकि वो एक बार जब लूज हो जाते हो ना तो दोबारा स्टार्ट होने में टाइम लगता है। मैक्सिमम टाइम तुम क्रिकेट में देखना ड्रिंक्स ब्रेक के बाद बैट्समैन, आईपीएल में जो 13th ओवर और 14th ओवर के बाद जो पावर ब्रेक लिया जाता है वो कुछ नहीं है। अगर वो पावर ब्रेक ना हो ना तो चेजिंग टीम का जीतना ऑलमोस्ट निश्चित होता है। मैक्सिमम टाइम पावर ब्रेक कुछ नहीं है, पावर ब्रेक मोमेंटम को ब्रेक करना है ताकि जानबूझ के वो आउट हो और हम सबको देख के अच्छा लगे, हर समय देखना। तो मोमेंटम वही चीज है, समझ में आया, जब तुम खेल रहे हो, जब तुम मार रहे हो, फोर मार रहे हो, ठीक है फोर मार रहे हो, तो दो मिनट के लिए रुको, हमें दो मिनट
हाँ ठीक है, तो वो जब ब्रेक होता है तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आगे चलते हैं अब, ठीक है। प्रॉब्लम फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस थ्री आई वाई मल्टीप्लाइड बाय फोर माइनस ट्वाइस आई इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आई। तो तुम बोलोगे सर पहले मुझे बोलो क्या तुम अब डायरेक्टली यहां पे क्या अभी इस स्टेप में दोनों को कंपेयर कर सकते हो, हाँ या ना? अभी नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि तुम इसका रियल पार्ट जानते हो, इसका रियल पार्ट टू है, मगर यहाँ पे रियल पार्ट तुम्हें क्या अभी पता है? अभी मैं बोला अभी हमें रियल पार्ट नहीं पता है। तो मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मुझे ना तो रियल पार्ट पता है और ना तो इमेजिनरी पार्ट पता है। तो मुझे रियल और इमेजिनरी निकालना है, तो निकालते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एक्स प्लस थ्री आई वाई मल्टीप्लाइड बाय फोर माइनस ट्वाइस आई इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आई। तो दिस इंप्लाइज जब मल्टीप्लाई करोगे तो फोर एक्स माइनस ट्वाइस एक्स आई प्लस फोर थ्री जा ट्वेल्व आई वाई माइनस थ्री टू जा सिक्स आई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आई। तो दिस इंप्लाइज फोर एक्स माइनस ट्वाइस आई एक्स प्लस ट्वेल्व आई वाई प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आई, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस वन था। तो दिस इंप्लाइज रियल रियल के साथ जाएगा, वो मैंने लिखा नहीं, एक्स वाई रियल है, एक्स वाई रियल है, सॉरी। हाँ तो फोर एक्स के साथ सिक्स वाई जाएगा प्लस आई, ट्वेल्व वाई के साथ ट्वाइस एक्स जाएगा टू प्लस थ्री आई। अब हंसना शुरू करोगे क्योंकि अब पता है, हाँ अब तुम हंसोगे। क्यों हंसोगे? क्योंकि तुम्हें पता है कि ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजरी पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजरी पार्ट है। तो दोनों साइड कंपेयर करके क्या आएगा, कोई कहेगा? 4x प्लस 6y का वैल्यू 2 होगा। मैंने रियल पार्ट को कंपेयर किया, रियल पार्ट को कंपेयर किया और इमेजरी पार्ट को कंपेयर करूंगा तो 12y माइनस 2xy बाय 3, अगर ये इमेजरी पार्ट को मैंने कंपेयर किया। अब दोनों को सॉल्व करूंगा, ये तुम लोग का काम है, किसी को लिखना है तो लिख लो। मैं फिर से कह रहा हूं एक नया नंबर सिस्टम सीख रहे हो, याद रखो एक नया नंबर सिस्टम सीख रहे हो, तो एकदम बेसिक से शुरू करूंगा, कैसे कंपेयर करना है, क्या करना है, फिर धीरे धीरे हम लोग ज्यादा टफर चीज में जाएंगे, ठीक है। ज्यादा लंबा समय नहीं है, डेढ़ मिनट का टाइम देता हूँ, लिखना है तो लिख लो और लिखो कुछ। हाँ कंपेयर करने के बाद में दो दो जो आंसर आएगा, आंसर में दोनों पार्ट होगा क्या? दो पार्ट क्यों आएगा, क्लास टेंथ नहीं है क्या? एक्स और वाई का तो एक ही पार्ट आएगा। नहीं, एक्स और वाई का जब वैल्यू निकालेंगे तो दो और नहीं आएगा, लीनियर वाला में जाएगा ना। लीनियर में है ना, क्वाड्रेटिक का तो दोनों ही लिखोगे, प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक होता तो दोनों ही लिखते। सर ये दोनों का इससे फाइनल आंसर क्या होगा? सर हाँ बोल, इसका फाइनल आंसर क्या होगा? पता नहीं, निकाल के देख लो एक्स और वाई क्या होगा। मतलब वो एक वैल्यू पुट करके एग्जम्पशन और एक मतलब एक्स का वैल्यू एग्जम्पशन करना, जैसे क्लास 10, जैसे क्लास 10 में करते थे, इसको नंबर 1 ले लो, इसको नंबर 2 को ले लो और 2 को 4, 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ गया सर, तो ये हो जाएगा 24y माइनस 4x इज इक्वल टू 6। अब दोनों को ऐड कर दो,
कितना आया वाई का वैल्यू 30y = 8, तो y = 8/30, तो वैसे ही x का वैल्यू निकाल लो। ठीक है आगे चलो। ठीक है चलो अब देखो 1/3 - √2, अगर मैं तुमको फिर से देखो कोई नया चीज नहीं है, बस मैं ये बताना चाहता हूं a + b √2 = 1/5 + 3√2 क्या करते थे रैशनलाइज, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था, 3√2 को मल्टीप्लाई कर देते थे 3√2 और 3√2 से, ताकि a + b √2 तुम्हारे पास आ जाता था 5 - 3√2 / a + b (a - b) 5² - 3√2 का होल स्क्वायर, तो 5 - 3√2 / 25 - 18, और अब उसके बाद तुम a + b √2 को अलग करोगे तो 5/7 - 3√2/7, तो a इसके वैल्यू था b इसका वैल्यू था, तो तुम बोलोगे सर ये तो फिर मिटाइए आप क्योंकि ये हमारे इज्जत में लग गया है, आपने क्लास 7th का चीज पढ़ाया, ठीक है तो मिटा देता हूँ, तो अब 11th का चीज पढ़ाता हूँ। तो मुझे एक्चुअली में क्या है कि नीचे जैसे मैं इरेशनल नंबर को नहीं रखता था, वैसे ही हम लोग नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं रखते हैं, तो कुछ मल्टीप्लीकेशन दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं 5 + 2y को मल्टीप्लाई करूं 5 - 2y से, तो रियल नंबर वाला प्रॉपर्टी तो लगेगा a² - b², यहाँ पे ये a है और ये पूरा b है अभी, हाँ तो ये हो जाएगा 5² - 2i² तो ये हो जाएगा 5² = 25 - 4i², मगर i² - 1 होने के कारण 25 + 4 = 29, जो एक रियल नंबर है। तो अगर तुम किसी भी नंबर को उसके माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे अगर मैं बोलूं 3 + 4i को मुझे रियल नंबर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा बोलो, 3 - 4i, ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज, अगर ब्रेक करोगे तो 3² - 4i² 3 * 9 - 4 = 69² तो 9 + 16 क्योंकि i² - 1 है तो 25। मतलब अगर मैं कभी भी a + ib को मल्टीप्लाई करता हूं a - ib से, तो ये मुझे a² - ib का होल स्क्वायर देगा, मगर i² - 1 होने के कारण ये जो i² है वो मुझे a² + b² देगा। मतलब अगर मैं कभी भी a + ib को मल्टीप्लाई करूं a - ib से, तो ये मुझे a² + b² मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजरी पार्ट का स्क्वायर देगा। तो तुम लोग मुझे डायरेक्टली बोल सकते हो कि 7 + 2i * 7 - 2i क्या होगा, i होने के कारण ये 7² + 2² मतलब 49 + 2 = 4 = 53 होगा। ठीक है, तो तुम लोग ये महाभारत क्यों बताता हूं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज, जो हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 5th में, रेसिप्रोकल 1/z। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 - 2i, तो क्या करोगे, सॉल्यूशन प्रॉब्लम है ये, तो आई नो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 - 2i = 1/3 - 2i, मगर ये अच्छा नहीं लगा ना, मार्क्स तो कट जाएगा तुम्हारा, क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, तो बोलो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 + 2i, उल्टा कर दूंगा 3 + 2i से, तो क्या फायदा, नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर होगा 3 + 2i, नीचे हो जाएगा 3² + 2² मतलब 3/13 + 2/39, खेला खत्म। ठीक है, ऐसे अलग अलग तरीके से, जैसे अगर प्रॉब्लम अगर मैं पूछूं तो करो तो एक बार पहले वो ऊपर लिख लेना, घबराओ मत, हाँ पहले इफ x - iy = 1/
फाइव प्लस थ्री आई निकालो तो फाइंड एक्स एंड वाई निकालो. अभी कंपेयर नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में है. कंपेयर अभी नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे? पहले रैशनलाइज, मैं इसे रैशनलाइज बोलूंगा, सुनो, इसे रैशनलाइज नहीं बोला जाता है, मगर ये तुम्हारे और मेरे बीच में है. आई विल टेल इट रैशनलाइज, तुम लोग भी मुझे रैशनलाइज ही बोलना, कोई पंगा नहीं है, ठीक है उसको. हाँ, ऊपर वाले लिखने का टाइम दूंगा, घबराओ मत, पहले ये मुझे बता दो. सर 5/34 और 3/34 एक्स क्या है? 5/34 Y? I by 34. ठीक है, सबका आया. X माइनस आई वाई क्या करोगे? 1/5 प्लस 3i को मल्टीप्लाई करोगे. किससे? 5 - 3i और 5 - 3i से. तो क्या फायदा? X माइनस आई वाई इज इक्वल टू ऊपर 5 - 3i, नीचे 25 + 9. तो इसको x माइनस आई वाई इज इक्वल टू 5/34 प्लस आई टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ, सॉरी ये माइनस है, माइनस, और दोनों साइड कंपेयर करोगे. तो मेरा कहना है ना, ये जो तुम लिख रहे हो ना, ये फॉर्म, इस फॉर्म को हम लोग a प्लस आई बी फॉर्म कहते हैं. तो तुम्हें कभी भी अगर a प्लस आई बी फॉर्म रिड्यूस करने के लिए बोला जाएगा, मतलब रियल पार्ट को अलग करोगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग करोगे. कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपेयर करने के लिए जरूरी है कि तुम उसे हर समय ए प्लस आई बी फॉर्म में रिड्यूस करो. किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं भी थोड़ा रेस्ट हो कर लूं. ज्यादा सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, एक दो चीज जो लिखने का मन है तब, ठीक है. एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, ले लो दो, मैं भी जरा आता हूं, दो मिनट ले जा रहा हूं. लिखना है तो लिख लो. आगे चलूं? यस सर. एक्सप्रेस इन ए प्लस आई बी फॉर्म. टू प्लस थ्री आई डिवाइडेड बाय 5 - 2i. तो क्या करूंगा? ए प्लस आई बी फॉर्म चाहिए. 2 + 3i डिवाइडेड बाय 5 - 2i. तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? प्रॉब्लम कहां पे है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? सर डिनोमिनेटर. जानते हो रही है, मुझे मालूम है. 3 + √2 / 4 - 2√2 क्या करते थे? क्या करते थे? 4 + √2 से मल्टीप्लाई करते थे ना. तो वही चीज तो है, वही चीज है. इसमें थोड़ी ना कोई अंतर थोड़ी ना है दोनों मेरे. तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा बोलोगे तो अच्छा लगेगा. 5 + 2i.
फाइव प्लस टू आई, तो मुझे जो मालूम है नीचे का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा फाइव माइनस टू आई इंटू फाइव प्लस टू आई, तो रियल पार्ट 25 मतलब 5 स्क्वायर, रियल पार्ट हो जाएगा 5 स्क्वायर। एक बार एक काम करता हूं, पहली बार कर रहा हूं तो लिख भी देता हूं क्योंकि ऊपर तो मुझे लिखना ही पड़ेगा तो नीचे लिखने में भी खराबी है, ये लिखता हूं और ऊपर मेरे पास होगा 2 प्लस 3 आई मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2 आई। तो दिस कैन बी रिटन एज नीचे क्या हुआ 5 5 जा 25 प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कोई तुम लोग में अभी भी कोई लिखना शुरू नहीं किया हो तो धीरे धीरे अब कंफ्यूजन होगा, समझ में आया। ऊपर तुम लोग को लग जाएगा ये सर बड़ा आसान था, मगर अब धीरे धीरे कंफ्यूजन होना शुरू होगा। तो अब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो ब्रेक करना सिखाया ही था, 5 इंटू 2 10 प्लस 2 2 जा 4 आई प्लस 5 3 जा 15 आई प्लस 3 2 जा 6 आई स्क्वायर, मगर आई स्क्वायर माइनस 1 है तो इसलिए ये 10 प्लस 19 आई माइनस 6 बाय 25 प्लस 4 29, तो 10 माइनस 6 तो 4 प्लस 9। जब a प्लस आई बी फॉर्म बोला जाता है तो इम्पोर्टेंट है कि चीजों को तुम अलग अलग करोगे, 4 बाय 29 प्लस 19 बाय 29 आई, लिखना है तो लिख लो फिर कुछ आगे करेंगे हम लोग। इसी को कभी x प्लस आई वाई बोल देगा, इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो छोटे छोटे टेस्ट देने से क्या होता है ना कि टेस्ट का जो डर है वो हट जाता है, और जिस दिन टेस्ट का डर तुम्हारे अंदर से हट जाएगा ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो घबराहट और डर दो अलग चीजें हैं, ठीक है। अंधेरे में चलने से घबराहट होना निश्चित है क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, तुम्हें चोट लग सकता है, आगे कोई एक जानवर हो सकता है जिससे तुम्हारा पांव लग जाए वो तुम्हें काट ले, उसे घबराहट कहते हैं। अंधेरे में जाने से यह मानना कि भूत नाम का कोई चीज आके तुम्हें खा लेगा उसे डर कहते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन घबराहट एंड डर। घबराहट होने से तुम सचेत रहते हो कि हाँ नहीं होना चाहिए, मगर डर होने से तुम सचेत नहीं रहते हो, तुम एब्सेंट माइंडेड हो जाते हो कि बाप रे बाप, तुम्हें लगेगा पीछे साइड से भूत आ रहा है हालांकि कोई चीज था ही नहीं। तो उस डर को खत्म करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम जब मेरा एग्जाम बहुत ज्यादा दोगे तो कल जब स्कूल का एग्जाम होगा तो तुम्हें घबराहट नहीं होगा, घबराहट तो होगा ही, निश्चित सा बात है, मगर वो जो डर है ना एग्जामिनेशन देने का वो हो सकता है भूत वाला डर खत्म हो जाए, ऑथेंटिक डर घबराहट शुरू हो जाए। चलो आगे चलते हैं। सर एक बार वापस दिखा सकते हैं क्या? श्योर, क्या प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, ले। सर थोड़ा सा नीचे कीजिए। हो गया यही ना? हाँ सर हो गया। चलो चल शुरू करता हूं। तो अब मैंने जैसे एक सम पूछा था याद है, जैसे x माइनस थ्राइस आई वाई इंटू टू प्लस थ्री आई इज इक्वल टू फोर माइनस टू आई, मुझे ना इसे ब्रेक करके सॉल्व करना पसंद नहीं है। अब मैं तो इसको ऐसे भी कर सकता हूं, तो दिस इंप्लाइज का ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू कितना, फोर माइनस टू आई बाय टू प्लस थ्री आई। मैं सॉल्व करूंगा, मगर तुम लोग करो के बता दोगे क्या आंसर क्या आया एक बार, फिर मैं करता हूं जिनको करने का मन है। समझ में आया क्या करूंगा?
ठीक है, ये वाला ए प्लस आई बी फॉर्म है, ये ए प्लस आई बी फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे कुछ करना होगा, करके देखो और मुझे बोलो एक्स और वाई का क्या वैल्यू है, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ हम भी इन सब को आ रहे हैं। कुछ आया सर? x इक्वल्स टू 2/13 और y इक्वल्स टू 16/39। थोड़ा सा रुक जाता हूँ, बाकी लोग भी अगर कर रहे हो तो फिर मैं कर दूंगा एक बार। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 - 3i से, तो ये मेरे पास नीचे 2² + 3² ऊपर 4 × 2 = 8 -4 × 3 = 12i -4i + 3 × 6 i² i² - 1 है। तो दिस इंप्लाइज 8 -16i -6/2 + 3 = 2। 2 मिनट रुको, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है मुझे। (8 - 6, 2 - 16i / 13) तो हेंस x - 3i y का वैल्यू आया 2/13 - i (16/13। अब जब तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हारे पास x का वैल्यू 2/13 आएगा, मगर ध्यान से देखो ये 3y है, इसलिए 3y का वैल्यू 6/13 आएगा, मतलब माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो हेंस आ गया। किसी को तब भी किसी का नहीं हुआ तो लिखना है तो लिख लो, ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप में जाते हैं। सर अगर यहाँ पे ओनली y का वैल्यू पूछेगा तो यहाँ पे 16/39 आएगा ना? हाँ 16/39 y का ही वैल्यू, वो तो लिख लो यार, 16/39। चलो आगे चलता हूँ। ठीक है चलो आगे चलते हैं। ठीक है तो अब नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं। नेक्स्ट चीज है कि आई का जो पावर होता है वो 4 के साइकिल में रिपीट करता है। तो बोलोगे सर समझ में नहीं आया, बताता हूं, ध्यान से देखो। हाँ आई का वैल्यू √(-1) था, जो कभी नहीं लिखना होगा। i² - 1 था जो देखते थे। अब i³ को क्या लिख सकते हो? क्या i² × i नहीं लिख सकते हो? तो i² तो -1 × i, तो ये -i हो जाएगा, तो i³ जो है वो -i हो जाएगा। i^4 क्या होगा तब? i² का होल स्क्वायर, i² क्या था? -1 का होल स्क्वायर, तो ये 1, मतलब i² i^4 1 हो जाएगा।
तो i टू दी पावर 5 क्या होगा? अब मेरा कहना i टू दी पावर 4 1 होने के कारण, तो उसी के टर्म में सोचो ना, क्योंकि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था, नहीं क्या? तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज द सेम थिंग। तो i टू दी पावर 4 इनटू i, क्योंकि ये 1 इनटू i होगा तो ये i हो जाएगा, i टू दी पावर 4 दोबारा i हो जा रहा है। तो i टू दी पावर 6, तुम बोलोगे सर बहुत बोर कर रहे हो, i स्क्वायर, क्योंकि i टू दी पावर 4 1 है तो ये 1 इनटू i स्क्वायर का वैल्यू फिर से i स्क्वायर हो जाएगा, i टू दी पावर 6 i स्क्वायर हो जाएगा, वैसे ही i टू दी पावर 7 फिर क्या होगा i क्यूब, और i टू दी पावर 8 क्या हो जाएगा फिर से i टू दी पावर 4, i टू दी पावर 4 का मतलब 1 था। तो रिपीट का मतलब समझ में आया मेरा क्या कहना है? रिपीट का मतलब मेरा कहना है कि देखो i और i टू दी पावर 5 रिपीट का मतलब ये है, रिपीट का मतलब i क्यूब का i टू दी पावर 7 के साथ होना। तो तुम्हें समझ में आ रहा है क्या है? रिपीट हो रहा है। तो i टू दी पावर 9 क्या हो जाएगा तब? i टू दी पावर 9, तो चार चार का साइकिल में रिपीट हो रहा है, चार चार के साइकिल में रिपीट हो रहा है, तो i टू दी पावर 9 दोबारा क्या होगा? i। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि i टू दी पावर 38 क्या होगा, तो तुम्हारा एम ये है कि तुम ये जानते हो, तुम्हारा जो मेन मकसद है या तुम्हारा जो मेन मोटिव है सम को सॉल्व करने का, वो ये है कि i टू दी पावर 4 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता था, क्यों? तो क्यों ना 38 को मैं 4 इंटू 9 प्लस 2 लिख दूं, रिमाइंडर 2 है, तो इसे अगर मैं अलग करूं तो ये 4 इंटू 9 इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, मगर तब मैं इसको i टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय i स्क्वायर, मगर i टू दी पावर 4 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 था, तो इसलिए आंसर 1 इंटू i स्क्वायर इज नथिंग बट i स्क्वायर, और i स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस 1। तो इसका मतलब है कि i टू दी पावर 38 जो है वो i स्क्वायर है, मैं माइनस 1 में इंटरेस्टेड नहीं हूं, वो तो तुम लिख सकते हो। तो i स्क्वायर क्या है? तुम जानते हो कि व्हेन 38 is divided by 4, remainder is 2. तो इसलिए अगर मैं पूछूंगा कि i टू दी पावर 17 क्या होगा, अब डायरेक्टली बोल पाओगे? तो when 17 is divided by 4, remainder is क्या होगा? 1. तो क्या होगा? क्योंकि तुम जानते हो कि i टू दी पावर 16 तो 1 होगा, क्योंकि 16 4 का मल्टीपल है, तो हेंस अब डायरेक्टली मैं लिखूंगा, तो रिमाइंडर 1 है तो मैं इसे i टू दी पावर 1 लिख दूंगा। ये चीज समझ में आ रहा है तुम्हें? बार बार ये महाभारत लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े समय ये महाभारत नहीं लिख पाओगे, मतलब तुम्हें अब जो चीज यूज करना है वो यूज करना है कि n अगर कोई भी इंटीजर है तो i टू दी पावर 4n का वैल्यू तुम 1 जानते हो, इसीलिए अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि i टू दी पावर 26 कितना होता है, बोलो, तो 26 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 2। तो i स्क्वायर, तो i स्क्वायर माइनस 1 होगा, और i टू दी पावर 103 क्या होगा? 103 को अगर डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? नहीं, रिमाइंडर, रिमाइंडर को 0, 1, 2, 3 में ही सोचो, तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो इसलिए आंसर i क्यूब हो जाएगा। ये हाँ, तो ये i टू दी पावर क्यूब, i टू दी पावर क्यूब इज इक्वल टू माइनस i, डायरेक्टली आंसर बोला था, i क्यूब इज इक्वल टू माइनस i। तो इसका मतलब कोई भी इंटीजर है, m कोई भी इंटीजर है, तो i टू दी पावर m का वैल्यू जो होगा वो i टू दी पावर r होगा, जहां पे r क्या है? रिमाइंडर व्हेन m इज डिवाइडेड बाय 4। क्या किसी को कहीं भी डाउट है? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये समझ में आया 4 का साइकिल रिपीट जो करता है, ठीक है? किसी को जो भी लिखने का मैंने लिखो समझो, और डाउट है तो दोबारा मुझसे पूछो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मैं माइक्रोफोन में ही हूँ डाउट क्लियर करने के लिए। क्योंकि i टू दी पावर 4 1 होता है तो हम ये जानते हैं कि 4 का कोई भी मल्टीपल 1 होता है, इसीलिए अगर मैं तुमसे i टू दी पावर 50 पूछता हूँ तो 50 को तुम 4 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें 48 मिलेगा, मतलब क्वेश्चन i टू पर 48 तो 1 हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा? केवल i स्क्वायर बच जाता है।
कहीं भी डाउट है किसी को तो पूछोगे मुझसे। मैं फिर से बोलता हूँ कि पेपर और पेन पकड़ो और थोड़ा सा लिखो, ठीक है। अभी भी अगर बिस्तर में बैठ के देख रहे हो, ठीक है, आराम से बिस्तर में बैठे हुए हो, लिख रहे हो, दे लिख नहीं रहे हो, बिस्तर में बैठ के देख सकते हो, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। अगर लिख रहे हो तो अभी भी बिस्तर में बैठे हुए हो और आराम से, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है कि नेटफ्लिक्स खोल लो और उसमें एक मूवी देख लो। अगर कॉपी नहीं लिख रहे हो तो नेटफ्लिक्स में ये काम देना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो तुम्हें ज्यादा सर थोड़ा शॉर्ट में वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? एक बार लिख लें क्या तो और एक बार मैं बता दूं तब, समझ में आया? हाँ ठीक है सर। एक बार जब थोड़ा सा लिखोगे तो थोड़ा सा दिमाग में तो आएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि कहीं डाउट नहीं है, तुझे फुल एक्सप्लेन चाहिए तो फुल एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए। सर हाँ बोल। सर जैसे i to the power 38 है सर, उसको मतलब स्क्वायर करके i स्क्वायर करके ऊपर 19 लिख के सर, जैसे 19 ऑड नंबर हो जाता है तो -1 ऐसे लिख सकते हैं? तुझे 4 के मल्टीपल में सोचना होगा ना, 2 के मल्टीपल में सोच के फायदा नहीं है ना। ठीक है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ठीक है, मैं बता रहा हूँ एक बार, सब ये लिख लेने लो, फिर मैं आ रहा हूँ फिर से और एक बार बता रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को। चलो पेज को हटाऊं? नो सर नहीं, ठीक है, होने से मुझे बोल देना, मैं और एक बार समझाऊंगा। अभी पेज को हटाने दो, पेज को हटा लेता हूँ। चलो, मेरा कहना है कि क्योंकि मैं जानता हूं कि आई टू दी पावर 4 1 है और ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, इसीलिए अगर मुझे कोई भी पावर तुम देते हो, जैसे 42 देते हो, तो मैं 2 के पावर में नहीं देखूंगा, 4 के पावर में देखूंगा, 4 का साइकिल है, तो ये आई टू दी पावर 40+2 होता है। आई टू पावर 40 तो 1 होगा, क्योंकि ये आई टू दी पावर 40 × i² हो जाएगा। I to the power 40 क्योंकि 4 का पावर है, तो इसलिए ये 1 to the power 10 1 हो जाएगा, तो ये 1 × i² = i² आया समझ में क्यों काम कर रहा हूं, जो प्रॉब्लम था किसी को? जैसे अगर मैं I to the power 23 बोलूंगा, तो मैं 23 से पहले 20 जो है वो, मैं I to the power 20 क्या होता है, 20 इज वेरी सिंपल, I to the power 4 होल टू द पावर 5 1 टू द पावर 5 1, तो इसीलिए मैं इसे i to the power 20+3 लिख सकता हूँ, मतलब i to the power 20 × i³ लिख सकता हूँ, तो आंसर i³ हो जाएगा, क्योंकि i to the power 21 था। मेरा कहना है कि तुम्हें डायरेक्टली यहां से ये लिखना सीखना है, और तुम ये सब में क्या रिलेशन देख रहे हो, ये सब रिलेशन क्या है? 23 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 मिलेगा, 42 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। रीजन यही है कि तुम 4 को 4 के साइकिल को बाहर निकाल रहे हो, तो इसीलिए अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि i टू दी पावर 19 क्या होगा, क्या होगा? 60+3 × i³। अब जिनका डाउट था वो समझ में आया या अभी भी कोई डाउट है? हाँ समझ में आया सर। हाँ बोल सर। अगर पावर माइनस में हो तब सर कैसे होगा? वो आ रहा हूँ, माइनस में आ रहा हूँ, पॉजिटिव वाले समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो अगर माइनस वाले में आ रहा हूँ, पहले पॉजिटिव वाला थोड़ा कर लूँ। प्रॉब्लम, रिड्यूस i टू दी पावर 4 टू दी पावर 57 करो, i टू दी पावर 5 टू दी पावर 28 करो, रिड्यूस क्या आया बोलो? i और 6 का 4 का मल्टीप्लिसिटी मालूम है ना, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कर दो, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कर दो, हो जाएगा। 57 को डिवाइड करके रिमाइंडर देखो, वही होगा, पूरा डिवाइड करने का जरूरत नहीं है।
फोर का रिमाइंडर केवल लास्ट टू डिजिट डिवाइड करने से आंसर आ जाता है। वन का वैल्यू होगा i और सेकंड का वैल्यू होगा 1। तो ये तुम्हारे पास अगर 457 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आता है। तो डायरेक्टली तुम बोलोगे सर डायरेक्टली सेम होता है, अरे ये लिखने का ऊपर वाला महाभारत करने का जरूरत नहीं ना। 528 को अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 28 को 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0 आता है। तो i टू द पावर 0, i टू द पावर 0 का मतलब 1 होगा। प्रॉब्लम रिड्यूस i टू द पावर 30 प्लस i टू द पावर 40 प्लस i टू द पावर 50 प्लस i टू द पावर 60 रिड्यूस करना है। तो चल शुरू कर, i टू द पावर 30 रिमाइंडर 2 2 4 0 50 2 0 2 60 0। अब आया समझ में, ऊपर वाला महाभारत अगर सब में लिखोगे तो कितना बड़ा सम हो जाएगा। इसलिए किसी को अभी भी डाउट है तो बोलोगे आई स्क्वायर 2 होगा तो 2 आई स्क्वायर प्लस आई टू पावर 0 2 आई स्क्वायर माइनस 1 था माइनस 2 प्लस 2 इज नथिंग बट 0। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूँ और तब तुम लोगों को और एक बोलूंगा, ट्राई करके देखोगे, ट्राई करने में कुछ खराबी नहीं है। आई टू दी पावर 77, आई टू दी पावर 70, आई टू दी पावर 87, आई टू दी पावर 414। जो आंसर आएगा उसे क्यूब कर देना। टाइम देता हूँ, एक बार लिखो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ऊपर से किसी को लिखना है तो लिख लो, टाइम दे रहा हूँ। चलो जिसका आंसर आया -8 मैं निकालता हूँ एक बार, जिनका नहीं आया ठीक है। 77 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1, 70 को डिवाइड करोगे तो 2, 87 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 414 को डिवाइड करोगे तो 14 डिविजिबल नहीं है। i टू द पावर 1 i होगा, i स्क्वायर माइनस 1 होगा, i स्क्वायर माइनस 1 होगा, i क्यूब माइनस i होगा, i स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। ये और ये कैंसिल, क्या आया माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 8। किसी को लिखना है तो मैं बस 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, मैं आगे चलूंगा। सर अगर ये सेम मेथड स्कूल में अगर स्कूल का सम किया जाए एग्जाम में तो सर फुल मार्क्स देगा? क्यों नहीं देगा, ये 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 लिखने का जरूरत ही नहीं है, ये सब लिखने का जरूरत ही नहीं है। बस ज्यादा है तो ये लिख लेना बस एक बार, i टू द पावर n इक्वल टू i टू द पावर r वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। आया समझ में? ये एक स्टेटमेंट लिख देना साइड में, एक स्टेटमेंट लिख लेता। सर फर्स्ट वाला जो सम है ना वो वाला थोड़ा समझ में नहीं आया। कौन सा बोल, ये वाला
फर्स्ट वाला मतलब ये वाला फर्स्ट रिड्यूस सर ये पावर 457 है या 4 पावर पावर 57 है पता इसमें कंफ्यूजन है नहीं आई का पावर 457 है हां हां तो बोल हां डाउट बोलना क्या है नहीं सर समझ में आ गया आगे चलूं जी सर यस सर आया समझ में ना बाकी लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि कईयों का अभी भी डाउट है थोड़ा थोड़ा तो मगर भैया पेन उठाना होगा पेन उठाना होगा पेन को उठाओ और ये करो ये प्लस हाँ कहीं डाउट है तो बोलो ये वाला अच्छे से नहीं लिखा इसे अच्छे से ये करके दिखाओ प्लस 4 × i^25 छोटे छोटे नंबर्स हैं उसमें ठीक है किसी किसी को डाउट हो रहा था सर रिमाइंडर में लंबा हो जा रहा है तो ये छोटा है ये तो बता दो सर हाँ बोल तो आंसर 1+4i है क्या मुझे देखना होगा हाँ सर 1+4i है आया बाकी लोगों का 2i² तो माइनस वन हो जाएगा 6i³ i³ - i हो जाएगा i^16 रिमाइंडर 0 i^19 i³ i^25 रिमाइंडर 1 -2 - 6i + 3 -6i³ - i +4i -2 - 6i + 3 +6i + 4i - 6i + 4i कैंसिल -2 + 3 = 1 + 4i खेला खत्म तुम भी बोलोगे सर बोल कर रहे हो आप ठीक है किसी को लिखना है तो लिख लो 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ फिर आगे आप दूसरे टाइप के समय चलते हैं तो ये समझ में आया जो पावर है उस पावर को रिड्यूस करना होगा अब कभी कभी तुम्हें ये सब तो छोटे छोटे सम्स होते हैं अब कभी कभी तुम्हें ऐसा बोल देगा कि प्रॉब्लम तुम्हें निकालना है कि सपोज i+i² + i³ · i^50 तक तब क्या करोगे ये तो काफी लंबा प्रोसेस हो गया i से लेके i^50 तक का सम चाहिए चलो i कितने का साइकिल देता है आई कितने का 4 का ठीक है तो इसलिए मेरे दिमाग में अभी एक चीज आ रहा है ये सब देखो अभी तक नहीं आएगा मगर अब आए ये इसे लिखने से लंबा हो जाएगा तो चार चार के साइकिल में सोचो मतलब देखो i+i² + i³ + i^4 क्या होगा i होगा i² - i - 1 होगा i³ - i होगा और i^4 + 1 होगा तो सब आपस में कैंसिल हो गया मतलब ये 0 होगा i^5 + i^6 + i^7 + i^8 क्या होगा क्या इसमें से कुछ कॉमन आएगा मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं क्या i^4 को कॉमन ले लूं मैं i^4 कॉमन लेने से क्या मिला बोलो i+i² + i³ + i^4 क्या दिल खुश हुआ Yes. कि चार चार का पेयर लोगे हर समय आंसर क्या आएगा बोलो जीरो जीरो तो इसमें जो इसका मतलब है जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है i² + i³
dot 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 i to the power 48 i to the power 49 plus i to the power 50 मैं चार चार का पेयर लूंगा. तो जब मैं चार चार का पेयर लूंगा तो सबके सब टर्म एग्जॉस्ट हो जाएंगे या कुछ टर्म बचेगा. कोई बोलेगा? जब मैं चार चार का पेयर ले रहा हूं, जब मैं चार चार का पेयर ले रहा हूं, बचेगा. समझ में आ रहा है? मतलब देखो क्यों, फोर जो है फोर में खत्म हुआ, फिर ये पेयर कहाँ खत्म हुआ, एट में खत्म हुआ. तो लास्ट पेयर कहाँ खत्म होगा? फोर के मल्टीपुल में. फोर का मल्टीपुल 48 है, मतलब 45, 46, 47 और 48. मगर फिर बच जाएगा कौन सा? 49 और 50 बच जाएगा. मगर इन सब ब्रैकेट का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि चार चार कॉन्जिक्यूटिव है तो वैल्यू ऑफ ब्रैकेट जो होगा वो हर समय जीरो होगा, मतलब जिसे हम कहते हैं वेनिसेस. तो अगर ये सब वेनिसेस ही हो जाएगा तो बाकी क्या रहेगा? आई टू दी पावर 49, आई टू दी पावर 50. 49 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 i plus i square. तो i is equal to i square का मतलब minus 1 is nothing but minus 1 plus i. खेला खत्म. किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं. तो समझ में आया ऐसे का एल्गोरिथम क्या है? साइकिल ऑफ 4. क्या? साइकिल ऑफ 4 लोगे. ठीक है, चार चार की चीज आंसर आ जाता है. लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे. डाउट है तो पूछो. सर हाँ बोल. सुनने में नहीं आ रहा है सर. फोर के पूरा पूरी ग्रुप बन गए तो सर फोर के जीरो होगा सर. फोर के हाँ मतलब अगर मैं तुमसे अगर सम मेरे पास सपोज ये होता, समेशन साइन जानते हो ना, ये साइन मिला है ना तुम लोग को समेशन वाला? यस सर. हाँ सर. तो अगर ये सपोज मैं देता आई टू डी पर आर, आर वन से ले आर 200 तक, और ऑब्जेक्टिव सम में अगर ये आया तुम लोगों का, तो इतना महाभारत थोड़ी ना करोगे. I to the power 200 टर्म है तो बोलो इसमें तुम्हें क्या लग रहा है? 4 क्योंकि मुझे लग रहा है. हाँ मैं जान रहा हूँ कि यहाँ पे 4 ग्रुपिंग लेने से ऑल टर्म्स आ जाएगा, सब टर्म्स आ ही जाएगा, तो इसलिए आंसर डायरेक्टली 0 होगा. मैं ऑब्जेक्टिव के लिए कह रहा हूँ, सब्जेक्टिव में मार्क्स नहीं मिलेगा, सब्जेक्टिव में तुम्हें ऊपर की तरह दिखाना होगा. आगे चलूं? नहीं सर. हो जाने से बोल देना. चलो आगे चलो. अब चलो अब किसी ने कहा था सर नेगेटिव पावर होने से क्या होता है, तो बताता हूँ. वन बाय आई होने से क्या प्रॉब्लम है? वन बाय आई होने से प्रॉब्लम है कि नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है, मुझे मुश्किल हो गया, तो इसलिए मैं इससे आई और आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा. जब भी मुझे वन बाय आई मिलेगा, जब भी मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर वन बाय आई मिलेगा, मैं क्या करूंगा, आई को आई और आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि तब उससे ऊपर आई हो गया, नीचे आई स्क्वायर. मगर आई स्क्वायर एक रियल नंबर है, तो आई स्क्वायर माइनस वन होता है, तो इसका मतलब ये माइनस आई. तो एक रिजल्ट है मेरे पास कि वन बाय आई का वैल्यू माइनस आई है. तो प्रॉब्लम अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि तुम्हें रिड्यूस करना है आई टू दी पावर माइनस 250, तुम्हारे ऊपर है, तुम इसका मतलब वन बाय आई टू दी पावर 250. पहले नीचे वाले को खत्म करो फिर ऊपर लेके जाओ. 250 को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा? आई स्क्वायर. आई स्क्वायर का मतलब माइनस वन, तो आंसर क्या आया? माइनस वन. और वही चीज अगर मैं बोलता हूँ आई टू दी पावर माइनस 19, तब ये वन बाय आई टू दी पावर 19,
अब आई टू पावर 19 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 होगा, मगर आई क्यूब का वैल्यू क्या था? माइनस आई, तो 1 बाय माइनस 1 बाय आई, मगर 1 बाय आई ऊपर जाके क्या बन जाएगा? माइनस आई, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया आई। कहीं पे डाउट तो बोलो, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलो, तुम्हें अब निकाल i^17 - 1/i^34 का होल स्क्वायर। तो बोलो शुरू करें क्या होगा, बोलो ये i^17 - 1/i^34 का होल स्क्वायर। i^17 क्या होगा? i^34 क्या होगा? 2 सर, मतलब i स्क्वायर 2 i स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या आया ये i - 1/i² का मतलब -1 का होल स्क्वायर। तो ये अल्टीमेटली क्या बना? ये तुम्हारे पास बना i + 1 का होल स्क्वायर। अब 1 + i का होल स्क्वायर सर क्या करेंगे? अरे जो क्लास 7th में सीखे हो, a + b का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला था? a² + 2ab + b² तो वैसे तुम इसे भी ब्रेक कर सकते हो। तो इसका ब्रेकआउट क्या होगा? 1² + i² + 2 × 1 × i। तो 1² 1 i² - 1 + 2i कैंसिल करो, आंसर क्या आ गया? 2i। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिखो, फिर आगे चलेंगे। कहीं भी डाउट तो पूछो। बस रिड्यूस करते जाना है। तो 1/i को -i भी लिख सकते थे स्टार्टिंग में, प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर है तुम क्या लिखना चाहते हो। सर एक बार समझा देंगे क्या? थोड़ा सा नेट कट हो गया था। 1/i को क्या लिख सकते हो? इसे यहां से ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। i^34 को क्या लिख सकते हो? सर i² ये समझ में आया? हाँ सर। i² को क्या लिख सकते हो? सर सर आपने माइनस, हाँ सर ये माइनस माइनस प्लस हो गया। माइनस वन। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये समझ में आया? हाँ हाँ सर। अभी a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? सर a² + b² + 2ab। ये समझ में आया? हाँ सर। फिर हाँ, i² के बदले क्या ले सकता हूँ? माइनस वन, कैंसिल कर दो, 2i। थैंक यू सर। चलो आगे चलूं? यस सर। कहीं भी डाउट होने से पूछ सकते हो। हाँ बार बार, क्योंकि जूम में एक डाउट होना सीरियस हो सकता है। हाँ, ये यहाँ पे देखो। अब मैं इसलिए कहता हूँ कि सपोज 1 + i^100 है। बाप रे बाप सर, 100 ब्रेक करोगे? नहीं, तुमने ऊपर कुछ देखा था। 100 को तुम √50 लिख सकते हो। अब 1 + i² का फॉर्मूला लिखो। 1² + i² + 2i^50 क्या फायदा बोलोगे? 1 + i² के बदले -1 - 2i^50 ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, खूबसूरत चीज मिला 2i^50। तो 2^50 जिसे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, बहुत लंबा होगा, i^50। तो 2^50 को तो कैलकुलेट करने के लिए शकुंतला देवी का जरूरत पड़ेगा।
और i टू द पावर 50 को हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितना होगा i स्क्वायर क्योंकि और i स्क्वायर का वैल्यू s1 तो नॉर्मल आदमी के लिए यही आंसर होगा माइनस टू टू डी पावर 50 शकुंतला देवी आगे से पीछे से लेफ्ट से राइट से कुछ भी बोल सकती है लिखना है तो लिख लो हम नहीं सर ऐसे वैल्यू ऑफ माइनस टू डी पावर 50 कितना होता है हाँ बाप रे बाप टू डी पावर 32 में ही खत्म हो जाता है टू डी पावर 50 तो वो तो शकुंतला देवी बोल पाएगी आपने देख लिया क्या सर हाँ उस दिन देखा था चलो तो चलो अब प्रॉपर्टीज में आएंगे धीरे धीरे तो ब्रेक दे देता हूँ 11:36 हो रहा है 11:36 मतलब 40 मान लेते हैं 11 चलो थोड़ा सा मैं भी 11:36 तो 11:40 मान लेता हूँ 11:55 तक चलो आओ 11:50 हाँ, ऊपर वाला सम थोड़ा स्क्रॉल अप कर दीजिए ये हाँ ये हाँ पहले ये लिखना हो गया सबका नहीं हुआ सर एक मिनट चलिए पहले ये लिखने दो फिर मैं उस स्क्रॉल अप करके छोड़ के चले जाऊंगा ठीक है तो रिकॉर्डिंग को पहले मैं जरा सुनाई दे रहा है हाँ सर यस सर ठीक है चलो तो अब आता हूं सपोज तुमसे पूछा है कि फाइंड ए प्लस आई बी थ्री प्लस टू आई बाय फोर माइनस आई प्लस फाइव प्लस आई बाय टू माइनस थ्री आई सपोज तो ऐसे में क्या करोगे कि इंडिविजुअली ए प्लस आई बी फॉर्म नहीं लेके जो नॉर्मली पहले एलसीएम लेके क्या करोगे पहले एलसीएम लेके चीजों को थोड़ा रिड्यूस कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास फोर माइनस आई ये सब चीज को ध्यान ध्यान से बस देखो रे मेरा कहना है कि जो चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सब उसी का रिपीटेशन है मतलब जब एक नया चीज समझाया जा रहा है तब डाउट होना सही है डाउट तो यहाँ पे भी हो सकता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ मगर अगर जब समझाने के बाद चीज को मैं चार बार लगा रहा हूँ वहां पे डाउट नहीं होना चाहिए चार बार लगाया जा सकता है कोई एक चीज को तो अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो ये मेरे पास आएगा ऊपर में थ्री टू जा सिक्स माइनस नाइन आई प्लस फोर आई माइनस थ्री टू जा सिक्स आई स्क्वायर प्लस फाइव फोर जा ट्वेंटी माइनस फाइव आई प्लस फोर आई माइनस आई स्क्वायर नीचे फोर टू जा एट माइनस फोर थ्री जा ट्वेल्व आई माइनस ट्वाइस आई प्लस थ्री आई स्क्वायर अब तुम जानते हो कि आई स्क्वायर माइनस वन होता है तो इसलिए ये तुम्हारे पास हो जाएगा सिक्स माइनस नाइन आई तो मैं थोड़ा सा छोटा ही कर देता हूँ ऐसे क्यों लिखूं तो सिक्स माइनस नाइन आई प्लस फोर आई इज माइनस फाइव आई आई स्क्वायर माइनस वन होता है इसलिए ये पूरा जो क्वांटिटी है ये प्लस सिक्स हो जाएगा प्लस ट्वेंटी माइनस फाइव आई प्लस फोर आई इज माइनस आई और माइनस आई स्क्वायर माइनस वन होता है इसलिए वो प्लस वन होगा डिवाइडेड बाय एट माइनस ट्वेल्व फोर्टी नाइन माइनस थ्री आई स्क्वायर जो होगा तो इससे सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी सिक्स प्लस वन ट्वेंटी सेवन माइनस सिक्स आई डिवाइडेड बाय एट माइनस
हाँ रुक जा, कनेक्शन लॉस हो रहा है, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? हाँ सर। यस सर। सॉरी, हाँ वो मेरा मेरा मेरे हाथ में नहीं है, वहाँ कनेक्शन लॉस है। आया, क्या बोलते हैं, आ गया कनेक्शन। हाँ चलो, चलो देखो, तो कहां तक देखा था रे? 3+2i, एक काम करता हूं, अननेसेसरी मिटा दे रहा हूं, हाँ स्टार्टिंग से करवा रहा हूं। तो इसे a+ib फॉर्म में लेके जाना है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे 4-i के साथ 2-3i, ऊपर 3+2i के साथ, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 3+2i के साथ मुझे 2-3i मिलेगा, और 5+i के साथ मुझे 4-i मिलेगा। तो दिस इंप्लाइज नीचे ऊपर 3 × 6 -3 × 9i +4i -3 × 6i² +5 × 4 = 20 -5i +4i -i² नीचे 4 × 2 = 8 -4 × 3 = 12i -2i +3i² तो क्या बना ये 6-9+ तो ये -5i बना, ये 6i² है, i² -1 होता था इसलिए ये +6 हो गया +20 -5i +4i तो -i बना, और -i² -1 था इसलिए ये +1 बना, डिवाइडेड बाय ये 8 -14i और ये 3i² जो है ये -3 बना। तो दिस कैन बी रिटन एज 6+6 = 12, 13+20 = 43, 6 + 6 = 12, 13, 33 -6i डिवाइडेड बाय 8 -3 5 -14i। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन में इधर उधर कहीं गड़बड़ हो भी सकता है। तो अब मुझे एक चीज बोलो, क्या करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा a प्लस ib के लिए? ये अब मैं करूंगा नहीं क्योंकि ये करवाया हुआ है। कोई बोलेगा 49, ठीक है, तो 5+49 आगे छोड़ रहा हूँ, समझ में आया? तो भैया किसी को लिखने का मन है तो थोड़ा सा लिख ले, तो ऐसे को इस टाइप को इसी टाइप से करना होता है, इस टाइप के सम्स को, ठीक है, लिखने का मन है तो लिख लो। तो कुछ सम दे रहा हूँ, हाँ करने के लिए एक बार कुछ ऑब्जेक्टिव सम दे रहा हूँ, उसके बाद अब थ्योरी में जाऊंगा, हाँ कि कॉन्जुकेट मॉडुलस आर्गुमेंट ये सब क्या होता है उस थ्योरी में जाएंगे अब, ठीक है। तो अभी तक जहां तक पढ़ाया वहां का एक जानते हो, ये क्या लिखना है वो तुम लोग के ऊपर है, ये मुझे लग नहीं, ऐसा कोई खास बात नहीं है, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा हाहाकार वाला नहीं किया, तुम बोलोगे कि सर ऐसा क्या क्या के जो लिखे हम, ठीक है बात सही है, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो लिखो, जो नॉन इम्पोर्टेंट चीज है जो तुम्हें हाँ अगर लगता है कि नहीं कहीं इम्पोर्टेंट है तो ठीक है लिख लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये चीज तो अभी मैं तुम लोग को करने के लिए दूंगा ही। चल शुरू करते हैं, उठाओ पेन पेंसिल और शुरू करो।
फर्स्ट का आंसर सर डी सी सी सर सी किसी का नहीं आएगा तो मुझे बोलेगा हाँ सेकंड का आंसर सी बी 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 या डी सी बी सर बी 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 सर सेकंड बी होगा थ्री का सर बी ठीक है चलो बाकी लोगों का करो मैं और टाइम दे रहा हूं दो मिनट के बाद पूछूंगा थ्री का बी फोर का ए फाइव का हिंदू पहले रैशनलाइज कर लो सर आई पहले रैशनलाइज कर लो पहले इसके बारे में चिंता मत करो इसे रैशनलाइज करो किसी को कहीं भी डाउट है मैं फिर से कह रहा हूं पूछने में नहीं शर्माओगे फाइव वाला मैं करवा दूंगा फाइव में कईयों को डाउट होता है मगर बाकी किसी में भी डाउट है तो मुझे पूछोगे मैं क्या किसे मल्टीप्लाई करूं वन प्लस आई से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा ऊपर वाला हो जाएगा वन प्लस आई का होल स्क्वायर और नीचे वाला वन स्क्वायर प्लस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी वन ही है फोर एन प्लस वन तो ऊपर होल स्क्वायर को अभी थोड़ी देर पहले हमने ब्रेक किया था तो ट्वाइस आई मिलता है डिवाइडेड बाय टू 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 दी पावर फोर एन प्लस वन ठीक है वन प्लस आई के होल स्क्वायर को मैंने ब्रेक किया था अभी हाँ थोड़ी देर पहले ट्वाइस आई है तो टू टू कैंसिल आई टू दी पावर फोर एन प्लस वन तो आई टू दी पावर फोर एन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी तो आंसर आई होगा आई किसी को और किसी में भी डाउट है तो पूछोगे मैं 15 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ फिर मैं नेक्स्ट टाइप चैप्टर में जा रहा हूँ सॉरी नेक्स्ट टॉपिक में जा रहा हूँ चैप्टर में नहीं मैं मान के चल रहा हूँ कोई कुछ नहीं पूछ रहा है तो डाउट नहीं है सर तुम लोग हाँ बोलो सर नंबर फोर एक बार दिखा देंगे क्या हाँ दिखा दूंगा थैंक यू सर चलो आगे चलूं Yes, sir. Number four, ये वाला सम
3 minus 2i by 5 plus 4i plus 3 plus 2i by 5 minus 4i. अगर मैं एलसीएम लूं तो 5 प्लस 4i 5 माइनस 4i 3 माइनस 2i इनटू 5 माइनस 4i 3 प्लस 2i इनटू 5 प्लस 4i थ्री फाइव 15 माइनस 12i माइनस 5 टू द 10 8i स्क्वायर प्लस 15 प्लस 12i प्लस 10i प्लस 8i स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 12i कैंसिल 10i कैंसिल 15 दो बार आ रहा है 30 प्लस 16i स्क्वायर क्योंकि 8 भी दो बार आ रहा है डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 तो 30i स्क्वायर माइनस 1 था डिवाइडेड बाय 41 30 माइनस 16 इज 14 बाई 41 तो कॉसम को अगर a प्लस आई भी लिखोगे तो तुम देख रहे हो कि कुछ है नहीं तो वो i इंटू जीरो होगा आया समझ में आप जब इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है तो जीरो होता है तो अब मैं आता हूँ ठीक है तो ये बस कैलकुलेशन था इसमें मैं लिखने का टाइम नहीं दूंगा तो हम लोगों ने क्या देखा हम लोगों ने देखा z जो है वो कैसा दिखता था x प्लस आई वाई अगर y जीरो है मतलब अगर इमेजरी पार्ट ऑफ जेड जीरो है तब केवल जेड में क्या रहेगा एक्स रहेगा और अगर जेड में केवल एक्स रहता है तब इसे हम प्योरली रियल कहते हैं जब एक्स जीरो होता है मतलब अगर रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो होता है तब जेड कैसा दिखेगा केवल आई इंटू वाई दिखेगा एक्स वाई रियल है हाँ एक्स वाई रियल है और ध्यान से देखो तब इसमें रियल पार्ट गायब है तो इसको हम प्योरली इमेजनरी कहते हैं तो प्योरली इमेजनरी तो क्या प्योरली रियल नंबर में जेड का वैल्यू केवल प्योरली रियल में इमेजनरी पार्ट जीरो होगा और प्योरली इमेजनरी में रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो होगा तो इस चीज को याद रखना है लिखना है तो लिख लो फिर आगे चलते हैं आगे चलो यस सर हाँ चलो प्रॉब्लम सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा ना प्लीज अभी एक सम कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा अगर अगर मैं तुम्हें कभी भी कहता हूँ कि जेड इज प्योरली रियल क्या होगा जेड इज प्योरली रियल का मतलब है कि इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा और अगर मैं कभी बोलूं कि जेड इज प्योरली इमेजिनरी तो जेड इज प्योरली इमेजिनरी का मतलब है कि उसका रियल पार्ट जीरो होगा आया समझ में ठीक है सर ये नाम है इसमें कुछ समझाने का बात ही नहीं है ये डेफिनेशन है समझ में आया डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट में अंतर है ये डेफिनेशन है हाँ तो चलो अगर मैं कहता हूँ कि x प्लस ट्वाइस आई डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4i इज प्योरली रियल फाइंड x सॉल्यूशन तो रियल होने के लिए क्या पार्ट को जीरो होना पड़ेगा हेल्प करोगे इमेजिनरी पार्ट मगर अभी प्रॉब्लम है अभी देखो ये a प्लस आई बी फॉर्म नहीं है समझ में आ रहा है ना इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए तो पहले उसे a प्लस आई बी फॉर्म होना पड़ेगा तो इसलिए क्या करूंगा x प्लस ट्वाइस आई डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4i को मल्टीप्लाई कर दूंगा
3 प्लस 4i और 3 प्लस 4i से. तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आएगा, ऊपर डायरेक्टली कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसे, थ्राइस एक्स प्लस 4xi प्लस 6i प्लस 4 टू जा 8i स्क्वायर. i स्क्वायर माइनस 1 होता है तो इसलिए 3x के साथ प्लस i के साथ मेरे पास 4x प्लस 6 रहेगा माइनस 8 बाय 25. तो अगर अलग अलग करूं तो 3x माइनस 8 बाय 25 प्लस i टाइम्स ऑफ 4x प्लस 6 बाय 25. अब क्या कह रहा है इस प्योरली, क्या कह रहा है बोलो, प्योरली रियल कब होगा? प्योरली रियल कोई कहेगा सर? b इक्वल, प्योरली रियल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? b मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है, क्या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z? 4x प्लस 6 बाय 25 ये 0 होना पड़ेगा. तो हेंस x का वैल्यू माइनस 6 बाय 4. क्या किसी को डाउट है कहीं भी? तो अब समझ में आया जिसको डाउट था प्योरली रियल इमेजिनरी में? और वही अगर ये प्योरली इमेजिनरी होता तो क्या 0 होता? a a, तो a का मतलब क्या हुआ? 3x माइनस 8. कहीं भी डाउट है तो मुझे बोलो, डाउट में नहीं शर्माना है, ठीक है? काफी कष्ट किया स्टार्टिंग में, मतलब वो आयु समझाने के लिए. अब बस न्यूमेरिकल सम करा रहा हूँ. कॉन्सेप्चुअली अगर समझ में आ गया है तो न्यूमेरिकल सम में डाउट होना बेवकूफी कहलाता है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ. इसीलिए कहीं भी डाउट है तो बोलो. इसीलिए आई माइनस आई ट्वाइस आई में काफी टाइम दिया है मैंने, कि स्टार्टिंग पहला एक घंटा में बस रिडक्शन ही दिखा रहा था कि कैसे रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ डील किया जाता है. अब सम्स अप करा रहा हूँ तो इसमें तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. मगर कहीं समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आना वाजिब बात है, हो सकता है तुम्हें कहीं प्रॉब्लम हो, मुझे तुम्हें बोलना होगा सर ये समझ में नहीं आया मुझे और एक बार समझा दीजिए. चलो आगे चलो. यस सर. प्रॉब्लम इफ x प्लस आई का होल क्यूब इज इक्वल टू u plus iv, prove that u by x plus v by y is equal to 4 times of x square minus y square. 10 second दे रहा हूँ सम को देखने के लिए, 20 second दे रहा हूँ चलो सम को केवल देखने के लिए कि सम को एक बार देखो. चलो आगे चल रहा. क्या अभी तुम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो हाँ या ना, रियल और इमेजिनरी पार्ट जो बोलना है? हाँ बोलना है तो हाँ बोलो, ना बोलना है तो ना बोलो. नहीं सर. इसका रियल पार्ट क्या है? अभी जो मैंने लिखा इसका रियल पार्ट क्या है? यू. ठीक है, नहीं कर सकते हो क्योंकि इसका रियल पार्ट क्या है? इसका यू. और इमेजिनरी पार्ट क्या है? वी. यहाँ तो सही है मगर यहाँ मुश्किल हो गया ना, क्योंकि ये तो आई वाई का होल क्यूब है. मगर रियल नंबर वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है, ए प्लस बी होल क्यूब का. ए क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब. यू प्लस आई वी इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड आई वाई प्लस थ्री एक्स इंटू आई वाई का होल स्क्वायर प्लस आई वाई का होल क्यूब. तो ये कैसा दिखेगा? एक्स क्यूब प्लस थ्री आई एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री आई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस आई क्यूब इंटू वाई क्यूब. क्या क्या जाएगा? वैल्यू माइनस आई, आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई. तो दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री आई एक्स स्क्वायर वाई. आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर. आई क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस आई वाई क्यूब. तो ये इमेजरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है. तो मिला दोगे तो क्या मिलेगा? एक्स क्यूब माइनस
3xy² प्लस आई कॉमन ले लूंगा तो ये सब देखो कहीं डाउट है तो ठीक है, मगर कैलकुलेशन में डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ वो कहीं समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बोलो, मैं चार बार समझा दूंगा कैलकुलेशन में। मैं कभी कभी नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण भी प्रॉब्लम होता है। अब मैं अगर दोनों साइड कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा बोलोगे, यू का वैल्यू, यू तो रियल पार्ट है ना, x³ - 3xy² ये रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट तो v का वैल्यू क्या, 3 - y³। हाँ तो इमेजिनरी पार्ट। तो अब मुझे बोलो मुझे क्या चाहिए, मुझे u बाय x चाहिए। तो u बाय x यहां से निकालो, u बाय x निकालने से क्या हो जाएगा, x² - 3y² यहां से निकालो क्या, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अब मैं आ गया बर्बाद यार, मतलब आज फिर से बोर करना शुरू कर रहा है जूम। इतने अच्छे तरीके से कोर्स डेवलप हुआ था सुनने में आ रहा है, हाँ या ना बोलो। हाँ सर, लेकिन फिर रुक रुक के है, कट कट के आवाज आ रहा है। तुम्हारा जब तुम्हारा क्या कहते हैं ठीक होगा, बस सुनो बोलो बोलो, सुनने में आ रहा है हाँ या ना बोलो बस। हाँ सर। वो मैं दोबारा करवा दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है। मैं ये पूरा मिटा दे रहा हूँ, पूरा मिटा दे रहा हूँ, और मैं तुम लोगों को फिर से 20 सेकंड दे रहा हूँ सम पढ़ने के लिए, प्लीज। हाँ और पढ़ो रे एक बार, और लिख सकते हो तो लिखो, वरना थोड़ा सा कंसंट्रेशन लॉस हुआ होगा तुम लोगों का। लिख सम को लिख लो एक बार ताकि ब्रेन कंसंट्रेट कर जाए। अगर लिख लिया है तो लिखने का जरूरत नहीं है, अगर नहीं लिखा है तो ब्रेन को लिख लो, ठीक है। मैं 10 सेकंड का वेट कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। चलो शुरू करता हूँ सॉल्यूशन। अच्छा तो ये मैंने कहा था, और तुम लोगों में से मुझे हल्ला किसी ने करके बोला था भी, ठीक है, कि हल्ला से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या दोबारा ही पूछता हूँ, इस साइड में तुम रियल और इमेजिनरी पार्ट बोल सकते हो, यू और वी, क्या इस साइड में बोल सकते हो, हाँ या ना? नहीं सर। नहीं, क्यों? होने के कारण तो मेरे पास a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला था, a क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा x क्यूब प्लस थ्राइस x स्क्वायर इंटू आई वाई प्लस थ्राइस x इंटू आई वाई का होल स्क्वायर प्लस आई वाई का होल क्यूब। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा x क्यूब प्लस थ्राइस आई एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्राइस आई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर
प्लस आई क्यूब इंटू वाई क्यूब। तो मुझे बोलो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या था, माइनस वन, आई क्यूब का वैल्यू क्या था, माइनस आई। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स क्यूब प्लस थ्राइस आई इंटू एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्राइस एक्स वाई स्क्वायर माइनस आई इंटू वाई क्यूब, मैंने आई क्यूब के बदले डाला है। तो यू प्लस आई भी क्या मिला, रियल पार्ट अगर मैं लूंगा तो रियल पार्ट क्या हुआ, कलर कोडिंग में रियल पार्ट मेरा ये रियल पार्ट है, तो क्या रहा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस आई, देखो इस दोनों में है तो क्या मिला थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अब मैं अगर दोनों साइड कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, कंपेयर अगर मैं रियल पार्ट को करूं तो, अगर मैं रियल पार्ट को कंपेयर करूं तो यू का वैल्यू आएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, और अगर मैं इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करूं तो वी का वैल्यू आएगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अगर तुमने लिखा है तो तुम्हें देखो u by x चाहिए, तो ठीक है यहाँ से u by x निकाल लो, तो ये x square minus 3y square होगा, और यहाँ से v by y निकाल लो 3x square minus y square, तो hence u by x plus v by y क्या होगा x square minus, दोनों को ऐड कर दो 3x square minus y square, मैंने ये दोनों को ऐड कर दिया तो 4 कॉमन ले लेता हूँ x square minus y square, खेला खत्म। सॉरी जूम की तरफ से, मेरी तरफ से तो मैं क्या सॉरी बोलूं उसके लिए, लिखना है तो लिख लो। कहीं डाउट है तो पूछो। आर्मी पब्लिक स्कूल में क्या चल रहा है अभी स्कूल में? सर चैप्टर 7 चल रहा है ना क्या सर, वो भी खत्म होने वाला है। 7 मतलब क्या है, लीनियर इनइक्वेशन खत्म हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन शायद सर, एमबीए बरसजाई सिलपुखरी कोई है, एमबीएम का कोई है, एसएसए में सर मैं से कहूँ कि क्या चल रहा है सर, हमारा तो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा रहे और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। साउथ पॉइंट में तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन ना, साउथ पॉइंट में क्या चल रहा है, कोई है साउथ पॉइंट का? बॉस्को में क्या चल रहा है? डॉन बॉस्को में सीक्वेंसेस एंड सीरीज। केवी सर अभी तो बस रिलेशन एंड फंक्शन कर रहा है। ठीक है सर, आगे चलो। यस सर। ठीक है चलो, अब कुछ एक डेफिनेशंस में आ रहा हूं, डेफिनेशन है ये सब। हाँ डेफिनेशन, सपोज दैट ए प्लस आई बी है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड को जेड बार से देखा समझाया जाता है, और ये a माइनस आई बी है, मतलब कुछ नहीं है, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तुम्हारे लिए ये नया चीज नहीं है, तुमने हम लोगों ने ये काम किया हुआ है, a प्लस आई बी को a माइनस आई बी से मल्टीप्लाई किया हुआ है। मतलब अगर मैं तुम्हें z का वैल्यू 4 माइनस 3 आई दूं तो z बार जो होगा, ये डेफिनेशन है, क्यों नहीं पूछोगे सर डेफिनेशन क्यों हुआ ये, अरे ये डेफिनेशन है,
b का साइन चेंज हो रहा है, तो यहां पे b जो है माइनस थ्री है, तो z बार जो होगा वो 4 प्लस 3 आई है। z अगर तुम्हारे पास 25 प्लस रूट ओवर माइनस 36 होता तो z बार क्या होगा? तो पहले तो इसे लिखोगे, क्या लिखोगे? ये 25 प्लस 6 आई होगा, क्लियर है ये? तो z बार क्या होगा बोल सकते हो? हल्ला होने दो यार। 25 माइनस 6 आई, माइक्रोफोन को खोल के रखो। हाँ चलो, z माइनस 3i प्लस 4, तो z बार क्या सर? 4 प्लस 3i। समझ में आया? अब ये नहीं कि मैंने ये नहीं बोला कि सेकंड वाले का साइन चेंज करना है रे, मैंने कहा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट पहले है, तो इसलिए ये हो जाएगा 3i प्लस 4। क्या समझ में आया? क्या यूज है? मैंने ये नहीं बोला z बार क्या चीज है, हाथ उठाओ तो, क्योंकि बस एक ही बच्चा मुझे आंसर बोल रहा है, या डाउट है तो मुझे बोलो। तुम लोगों में से कुछ एक तो मुझे बोलना होगा तुम लोग को यार, कि सर समझ में नहीं आया, या तो हाथ उठाना होगा, ठीक है? और अगर केवल पिक्चर देखने के लिए आए हो तो बात अलग है। Netflix. ठीक है, तो इट्स ओके, ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो कभी अब कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2i / 1 - i। तो नॉर्मली ऐसे समय ये गलत नहीं है कि तुम 1 - 2i / 1 + i लिखोगे, मगर फिर से वही कहता हूं, डिजायरेबल ये है कि पहले इसे a प्लस आई बी फॉर्म में चेंज कर लेना। तो z इज इक्वल टू ऊपर 1 + i प्लस ट्वाइस आई प्लस ट्वाइस आई होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस 2, अब डायरेक्टली कर रहा हूं, 1 - 2 - 1 हो जाएगा, प्लस थ्राइस आई डिवाइडेड बाय 2। तो अगर ये z है तो z बार क्या होगा बोल सकते हो? हल्ला होने दो ना, क्या जाता है सर? -1/2 - 3/2 - 1 - 3i। ये माइनस 1 को चेंज मत करना, केवल इमेजरी पार्ट चेंज होगा, डिवाइडेड बाय 2। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर टाइम देता हूं 2 मिनट का। आगे चलो? हाँ सर। यस सर। ठीक है चलो, तो प्रॉब्लम प्रूव दैट z प्लस z बार इज इक्वल टू 2 times ऑफ रियल पार्ट ऑफ z सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल में आज एकदम स्टार्टिंग में मैंने कुछ बोला था, ऐसे सम के लिए कैसे प्रोसीड करोगे? x y लेंगे, ले z को ले लोगे x प्लस i y, तो z बार x माइनस i, तो z प्लस z बार ट्वाइस x, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा ये पार्ट, और मैं जानता हूं x जो है वो क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है। तो तुम बोलोगे सर क्या बेकार चीज आप करवा रहे हो? नहीं, ये एक रिजल्ट है, ये सब रिजल्ट याद रखोगे कि z प्लस z बार हर समय 2 times of real part of z, board level में directly use होता नहीं है, मगर थोड़ा सा क्या है कि objective sums करने में आसानी होता है, तो ये सब अगर याद रखोगे, minus करोगे तो 2i आएगा, हाँ, imaginary part of z, लिखना है तो लिख लो।
एक्सरसाइज 5.2 डिलीटेड है हाँ, तो सर आप नहीं कराओगे क्या? नहीं कराऊंगा, मगर जैसे मैं नॉर्मली जो आप हम लोग का प्रोसेस क्या होगा, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है पहले वो हम अच्छे से कर लें, कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं कह रहा हूँ। तो आज तो ऐसे भी नहीं हो पाएगा 5.2, तो नेक्स्ट क्लास में पहले हम जितना सिलेबस में वो करेंगे और फिर लास्ट एक घंटे में हम लोग या आधे घंटे में हम लोग जो डिलेटेड पोर्शन है उसको देख लेंगे, ठीक है? चलो, और जो चैप्टर पूरा डिलेटेड है उसे एकदम बाद में देखेंगे, पहले कोर्स खत्म करेंगे उसके बाद, मगर चैप्टर के अंदर का जो डिलीटेड पोर्शन है वो हम लोग। चलो आगे देखता हूं, प्रॉब्लम जब एग्जाम देता हूं तो प्लीज दोगे, मैंने तुम्हें कहा ना कि अंदर से हमें एग्जाम का डर भगाना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? कि इसीलिए कि सर प्रिपरेशन कम है, फलाना है फलाना है, अरे गलत होने से क्या होता है, कोई पंगा थोड़ी ना है। चलो अच्छा, अब और एक है कि ये सब मतलब ऑब्जेक्टिव में आता है, इफ जेड इज प्योरली रियल तब क्या होगा? अगर जेड एक प्योरली रियल नंबर है, जेड अगर एक प्योरली रियल नंबर है तो जेड कुछ एक नंबर जैसा दिखेगा 5, तो जेड बार भी क्या होगा बोलो? कुछ है ही नहीं, 5 ही होगा ना रे, क्योंकि 5 + I0 5 - I0, तो अल्टीमेटली तो दोनों 5 ही हो गया ना। और जेड अगर प्योरली इमेजिनरी है तो प्योरली इमेजिनरी है तो तब जेड जैसे 3i है, तो 3i का मतलब क्या 0 + 3i, तो जेड बार कैसा दिखेगा? 0 - 3i, तो -3i, तो इसमें तुम देख रहे हो ये 3i है, आगे एक माइनस आ गया, मतलब तुम यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि जेड बार जो है वो -z होता है, और यहाँ पे तुम देख रहे हो जेड बार जो है वो +z होता है। तो ये दोनों को मिला के अब मैं कुछ बोल सकता हूँ, एक रिजल्ट फिर से दे सकता हूँ कि जेड अगर प्योरली रियल है तो क्या रिजल्ट होगा? जेड अगर प्योरली रियल है तो जेड बार का वैल्यू क्या होगा? जेड। और अगर जेड इज प्योरली इमेजरी तब क्या होगा? जरूरत नहीं पड़ता बोर्ड लेवल में ये सब चीज का, इतना मैं पहले बोलता हूँ, रिजल्ट को मैं बस बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव के लिए। तो मुझे कोई बोलोगे जेड बार अगर प्योरली इमेजरी है तो क्या होगा? जेड बार इक्वल टू कितना? माइनस जेड। हम लोग नॉर्मली ऐसा नहीं करके x + iy लेके रियल और इमेजरी को जीरो कर देते हैं, लिखना है तो लिख लो फिर आगे चलेंगे। टाइम दे रहा हूँ एक मिनट का। आगे चलूं? यस सर। अब और एक चीज समझो, ये रिजल्ट्स को हम यूज करेंगे, मगर अब अगर तुम मल्टीप्लिकेशन लेके कॉन्जुगेट करो या कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करो, बात बराबर है। प्रूफ वही x1 + i1 लेके जैसे ऊपर रियल वाला किया था, किया जा सकता है, सबको प्रूफ कराऊंगा तो बोर हो जाओगे। एडिशन में भी अगर तुम कॉन्जुगेट एडिशन लेके कॉन्जुगेट करो या कॉन्जुगेट करके एडिशन करो, बात बराबर है। सब्सट्रैक्शन में भी तुम कॉन्जुगेट करके सब्सट्रैक्ट करो या सब्सट्रैक्ट करके कॉन्जुगेट करो, बात बराबर है। डिवीजन में भी z1 / z2 का कॉन्जुगेट करो या इंडिविजुअली कॉन्जुगेट करो और फिर डिवाइड करो, बात बराबर है, ठीक है? तुम बोलोगे सर यूज क्या है, बताता हूँ, एक प्रॉब्लम बताता हूँ, दिल खुश हो जाएगा तो सब लिखने में भी मजा आएगा। इफ a + ib × c + id इज इक्वल टू x + iy, prove that
a minus ib into c minus id is equal to x minus i1 solution. ऊपर वाला ये लिखने का टाइम दूंगा, 10 सेकंड दे रहा हूं केवल ये सम पढ़ने के लिए. अगर मुझे रेस्पेक्ट करते हो तो एक बार प्लीज इस सम को पढ़ो. तो पढ़ा होगा. अब अगर मैथ्स को रेस्पेक्ट करते हो तो प्लीज बोलो. ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी देख के दिमाग में क्या आता है, उस चीज का नाम क्या है? कॉन्जुगेट. ठीक है. सी प्लस आई डी सी माइनस आई डी कॉन्जुगेट. एक्स प्लस आई वाई. तो तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो आप, तो खेला ही खत्म हो गया. गिवन क्या है? गिवन है ए प्लस आई बी मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस आई डी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. तुम्हें ये देख के, ये जब भी तुम्हारे दिमाग में ऐसे टर्म्स होंगे तुम्हारे दिमाग में आएगा कॉन्जुगेट. तो तुम बोलोगे सर टेक कॉन्जुगेट. हाँ कॉन्जुगेट ले लो. तो कॉन्जुगेट लोगे तो ये होगा ए प्लस आई बी, कॉन्जुगेट तो सबका होगा, सी प्लस आई डी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट. मगर मैंने अभी एक रिजल्ट दिया था कि जेड वन इंटू जेड टू बार का कॉन्जुगेट तुम अलग अलग कर सकते हो. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में अलग अलग करोगे तो ये ए प्लस आई बी का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस आई डी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट. ए प्लस आई बी का कॉन्जुगेट क्या हुआ? ए माइनस आई बी. सी प्लस आई डी का सी माइनस आई डी. एक्स प्लस आई वाई का एक्स माइनस आई वाई. हैंस प्रूफ. तुम बोलोगे सर बेवकूफ समझते हो, सब में कुछ था ही नहीं. मैं भी तो वही कह रहा हूँ, लिखना है तो लिख लो. दो मिनट का टाइम देता हूं, किसी को डाउट है तो पूछो. हाँ चलो आगे चलो. यस सर. ठीक है चलो. अब और एक चीज होता है जिसका नाम मॉडुलस है. जेड अगर ए प्लस आई बी है मॉडुलस, तो उसका सिंबल होता है मॉड जेड और ये होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम देखेंगे हाँ क्या होता है ये चीज. मगर पहले ये देखो, तो जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं मॉडुलस ऑफ थ्री प्लस फोर आई क्या होगा, तो ये रूट ओवर थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव, 25 का रूट ओवर. मॉडुलस के लिए इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारे रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो. मतलब अगर प्रॉब्लम ऐसा आया कि इफ जेड इज इक्वल टू वन प्लस ट्वाइस आई मल्टीप्लाइड बाय थ्री माइनस फोर आई फाइन मॉडुलस जेड, तो इसमें दो काम करोगे. या तो तुम अभी मल्टीप्लाई करके मॉड जेड निकालो, नहीं तो और एक है, मॉड जेड के भी कुछ सुंदर सुंदर प्रॉपर्टीज हैं.
तो पहले मैं प्रॉपर्टी लिखा देता हूं ताकि फिर इस सम में आ जाऊं। मॉड जेड के जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं। नंबर वन, मॉड ऑफ जेड वन जेड टू करो या मॉड करके दोनों को अलग करो, बात बराबर है। इसमें एडिशन में नहीं, केवल दो ही जगह ये प्रॉपर्टी लगता है। डिविजन में तुम मॉड करो या मॉड लेके डिविजन इंटू करो, बात बराबर है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं इसको प्रूफ भी करा के अभी एक बार दिखा दूंगा, मगर पहले मैं ये सम करना चाहता हूं। तो मॉड जेड मुझे मॉड जेड किसका चाहिए, वन प्लस टू आई इंटू थ्री माइनस फोर आई का। तो मॉड जेड क्या हो जाएगा, मॉड जेड जो होगा ये मॉड ऑफ वन प्लस ट्वाइस आई इंटू थ्री माइनस फोर आई। मगर मैंने अभी तुम्हें बोला कि मॉड ऑफ जेड वन जेड टू जो है वो चीजों को अलग करता है, तो इसलिए ये मॉड ऑफ वन प्लस टू आई इंटू मॉड ऑफ थ्री माइनस फोर आई। मॉड मैंने जस्ट अभी सिखाया है, तो किसी किसी को डाउट हो सकता है, ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट आवर, ये डेफिनेशन है। तुम बोलोगे सर क्यों वो मीनिंगलेस है, तो इसका क्या आया था, तो बोलो वन प्लस टू आई का मॉड क्या होगा, रूट आवर ऑफ रियल वन स्क्वायर इमेजरी पार्ट टू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर 25, तो 5 आ जाएगा, 5 रूट ओवर 5, खेला खत्म। ये मॉड जेड का फॉर्मूला है, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर मैंने कहा था ये वाला मैं प्रूफ करवाऊंगा, मगर पहले कुछ सम्स करवाता हूं फिर प्रूफ करवाऊंगा। बोलो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आगे चलो, टाइमर देना भूल गया था इसलिए मुझे पता नहीं है कितना देर दिया तुम लोग को। यस सर। आगे चलो, ठीक है। तो अब जैसे तुमसे जैसे एनसीईआरटी का ही एक सम है प्रॉब्लम, इफ ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर C square plus D square equal to X square plus Y square। तुम मुझे बोल सकते हो कि सर आप बोर कर रहे हो, क्या आ रहा है दिमाग में, इससे पहले जैसे तुम लोगों ने कॉन्जुगेट बोला था वैसे ही क्या दिमाग में आ रहा है, जब भी तुम A plus IB से A square plus B square आएगा, ऐसे का एल्गोरिथम ही है कि तुम्हारे दिमाग में जो नाम आएगा उसका नाम मॉडुलस है, मॉडुलस सॉल्यूशन। तो क्या गिव,
फर्स्ट हाफ आज का क्लास इतने अच्छे से गया, सेकंड हाफ क्लास इतना इतना प्रॉब्लम कर रहा है। दोबारा पूछ रहा हूँ, सुनने में आ रहा है? यस सर। थोड़ा सा बोर कर रहा है एक्चुअली में, बारिश आज बारिश हो रहा है। शुक्र है फर्स्ट हाफ में प्रॉब्लम नहीं हुआ, शुक्र है जब कॉन्सेप्ट दे रहा था, अभी तो सिर्फ थ्योरी दिखा रहा हूँ तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट तब भी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाता है। अरे सॉरी, हाँ ये सम था इफ ए प्लस, तो तुम लोग ने देखा था मॉडुलस है, अगर मैं दोनों साइड मॉडुलस हूँ तो ए प्लस आई बी मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस आई डी जो होगा वो मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई। मगर मैंने अभी एक प्रॉपर्टी दिया था कि Z1 Z2 के मॉडुलस में तुम चीजों को अलग अलग कर सकते हो, तो ये आएगा मॉडुलस ऑफ ए प्लस आई बी मॉडुलस ऑफ सी प्लस आई डी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आई वाई। तो हेंस ये तुम्हारे पास आएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तुम्हारे पास आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास आएगा एक्स। तुम बोलोगे सर आंसर तो ये नहीं है, क्या प्रॉब्लम है स्क्वायर बोथ साइड कर दो, तो अगर तुम दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। खेला खत्म, किसी को लिखना है तो लिख लो। फिर से एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा मेरा आज प्रॉब्लम हो रहा है, लास्ट क्लास नहीं हुआ था, लास्ट क्लास के लास्ट क्लास में हम लोग ने बड़े अच्छे से क्लासेस किया था। चलो ये सब चीज तो लगा ही रहता है। जिन लोगों ने गूगल का एग्जाम दिया था, मार्क्स दे दूं, मार्क्स देना भी शुरू करूं ना वहां पे? यस सर। हां सर, बेटर अच्छा लगेगा मार्क्स देने से ना। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अब जो गूगल में होगा उसमें मैं मार्क्स दूंगा। ठीक है, तो उससे तुम लोग को भी पता चलेगा कि लास्ट में जो मार्क्स लिखा आएगा। सर गूगल क्लासरूम? नहीं नहीं, गूगल का जो एग्जाम ले रहा हूँ, गूगल में गूगल टेस्ट हो रहा है। एक लिंक भेजा तो था सर, वो एमसीक्यू वाला ना? एमसीक्यू वाला, हाँ। मतलब मैं उसमें 0-0 पॉइंट्स होने से मजा नहीं आता है, देखे लास्ट में एक पॉइंट्स होने से अच्छा लगता है, क्या मिला। ठीक है, वो तुम लोग को एक एक मार्क्स का पॉइंट, एक एक मार्क्स दूंगा सब एग्जामिनेशन में। ठीक, सब समय ज्यादा समय नहीं दूंगा, 10-15 समय दूंगा, तो एक बार टाइम लिमिट तो रहता नहीं है उसमें, तो आराम से एक बार ट्राई कर सकते हो। चलो आगे चलता हूँ। तो मैंने कहा था मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, हालांकि थोड़ा बोरिंग है, मैं जानता हूँ बोर हो गया, मगर ठीक है। लिखना नहीं है मैंने, जरा लिखने दीजिएगा, ये वाला लिखने दे देता हूँ, लिख लेता हूँ थोड़ा जल्दी। मैं थोड़ा आज डर रहा हूँ, ये जो फिर क्या बोलते हैं तुम लोग, आज बड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं हमारा, ये लिख लो, मैं आ रहा हूँ। तुमने चलो आगे चलो। चलो तो मैंने कहा था कि इसको एक बार प्रूफ करवा के दिखाता हूं, मॉड जेड वन मॉड जेड टू। सॉल्यूशन क्या करूंगा, जेड वन को लूंगा एक्स वन प्लस आई वाई वन, जेड टू को लूंगा एक्स टू प्लस आई वाई टू। जेड वन जेड टू क्या होगा, एक्स वन प्लस आई वाई वन इंटू एक्स टू प्लस आई वाई टू। जो ब्रेक करोगे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू मिलेगा, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस वन होता है, और आई के साथ एक्स वन वाई टू
प्लस एक्स टू वाई वन मिलेगा। तो मॉड ऑफ जेड वन जेड टू क्या मिलेगा, रूट आवर ऑफ एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई वन का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैं फिर से कर रहा हूँ, जब ब्रेक करोगे तो एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर वाई टू स्क्वायर माइनस टू एक्स वन एक्स टू और प्लस टू एक्स वन एक्स टू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा रे, माइनस ट्वाइस ए बी और प्लस ट्वाइस ए बी में। तो एक्स वन स्क्वायर वाई टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर वाई वन स्क्वायर, इसमें और इसमें कुछ कॉमन क्यों, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं होगा तो? और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये माइनस ट्वाइस ए बी देगा, ये प्लस ट्वाइस ए बी देगा। ओके सर, ठीक है, मतलब मेरा कहना वो क्या ब्रेक कर सकते हो नहीं, होल स्क्वायर को ब्रेक कर सकते हो यहाँ, हाँ या ना? हाँ कर सकते हैं, तो बस ब्रेक करके देख लेना। हाँ ठीक है, तो रूट ओवर ऑफ, तो इसमें से मैं एक्स वन स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, मतलब मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ, प्लस एक्स वन स्क्वायर वाई टू स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर वाई वन स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वन स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर कॉमन लेता हूं, तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, y1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर, तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, रूट ओवर ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, तो अगर अलग अलग करूं तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों को अलग अलग कर सकते हो, तो ये क्या है, अब ध्यान से देखो ना, अगर z1 ही है तो mod z1 क्या होगा, और mod z2 क्या होगा, तो hence ये क्या है, mod z1 into mod z2, ये मैं लिखने का टाइम नहीं दूंगा, बस मैं तुम्हें दिखाने के लिए कि कन्विंस करने के लिए, वो तुम लोग ठीक है बाद में लिख लेना, ठीक है, इससे अच्छा कुछ और एक दो सम करा के छोड़ूं तुम लोग को। तो ये ऑलरेडी इससे पहले मैंने किया हुआ है रियल वाले पार्ट में, तो देखो ऐसे प्रूफ किया जाता है एग्जाम में, प्रूफ आता है चार मार्क्स में, ठीक है, चार मार्क्स में प्रूफ आते हैं, तो प्रूफ को इस टाइप से करोगे। इसे अभी मैं लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा बेटर है कि मैं तुम्हें कुछ सम्स करा दूं, ताकि मैं ज्यादा टाइप के सम्स आज मैं तुम लोग को घर में करने के लिए दूं। चलो तो प्रॉब्लम, इफ वन माइनस आई एक्स बाय वन प्लस आई एक्स is equal to a plus ib, prove that a square plus b square equal to 1, and x is equal to twice b by 1 plus a square plus b square. Chalo. सॉल्यूशन ये लिखने का टाइम दूंगा, ए प्लस आई बी से तुम्हें ये दिख रहा है, कुछ बोलोगे क्या करूंगा सर, मॉड्यूलस, ए प्लस आई बी का वैल्यू है और क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स रियल नंबर है, वो दिया हुआ है, तो टेक मॉड्यूलस, तो अगर मॉड्यूलस लोगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ ए प्लस आई बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वन माइनस आई एक्स बाय वन प्लस आई एक्स, मगर मॉड अलग अलग हो जाता था, मतलब मॉड ऑफ ए प्लस आई बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वन माइनस आई एक्स बाय मॉड ऑफ वन प्लस आई एक्स, तो मॉड ऑफ ए प्लस आई बी क्या होगा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन माइनस आई एक्स का मॉड क्या होगा बोलोगे कोई, वन स्क्वायर प्लस रियल पार्ट माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मगर होल स्क्वायर है ये चीज याद रखना, क्या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम चीज नहीं है होल स्क्वायर होने के कारण, यस सर, माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होता है, तो इसलिए ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन, स्क्वायर कर दो
लिख लोगे क्या? उसके बाद नीचे वाला सम थोड़ा बड़ा है, ये वाला थोड़ा बड़ा पार्ट है, तो उसमें भी अभी जाऊंगा, पहले ये लिख लो। आगे चलो। यस सर। चलो तो अब मैं जरा इसे काट देता हूँ कि ये तो नीचे भी आपका ऑडियो फिर से लग रहा है, वॉइस क्रैक हो रहा है। कॉपी अब नीचे सेकंड वाला, यहां से सुनने में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। यस सर। आप सुनने में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है चलो। अब देखो, तुमको वन माइनस आई एक्स बाय वन प्लस आई एक्स दिया हुआ ए प्लस आई बी। जब तुम ऐसा टर्म देखते हो और तुम्हें एक है, दैट इज नोन एज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, याद है क्या था? अगर ए बाई बी सी बाई डी है तो इससे तुम क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी बाय, कोई बोलेगा ताकि मुझे ये भी पता चले कि मैं लाइन में ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी प्लस डी सी माइनस डी। तो चलो शुरू करते हैं। तो 1 माइनस आई एक्स बाय 1 प्लस आई एक्स का वैल्यू है ए प्लस आई बी होल डिवाइडेड बाय 1। थोड़ा लंबा समय रे, तो पहले मैं ऐड करता हूं, पहले मैं ऐड करता हूं, फिर मैं नीचे सब्सट्रैक्ट कर देता हूं। तो सेम चीज यहां पे भी होगा, तो बोलोगे क्या होगा ये? ए प्लस आई बी प्लस वन बाय ए प्लस आई बी माइनस वन। यहां तक समझ में आया? ध्यान से देखो, डाउट है तो एक बार सम खत्म कर देता हूं वरना मोमेंटम खत्म हो जाता है मेरा। आई एक्स कैंसिल करो टू, माइ वन वन कैंसिल करो तो माइनस टू आई एक्स इज इक्वल टू ए, रियल पार्ट रख लो एक साथ तो ए के साथ वन आएगा, रियल पार्ट है, प्लस आई बी नीचे ए के साथ माइनस वन आएगा प्लस आई बी। एक्स डिनोमिनेटर में मुझे अच्छा नहीं लगा, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, रेसिप्रोकल कर दो तो इस साइड भी रेसिप्रोकल करोगे, ए माइनस वन प्लस आई बी बाय ए माइनस वन माइनस आई बी। इसको माइनस आई एक्स ही रखो, मैं कंपेयर करने के लिए यहाँ पे क्या करूंगा, कोई बोलेगा किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इस साइड को, इस साइड को क्या करूंगा? सर ये 15 लाइंथ में कैसे कन्वर्ट किया अगर दिखाइएगा? ये तो ये कंपोनेंट और डिविडेंड लगाया,
वहां पे माइनस वन था, यहाँ पे माइनस वन। हाँ ठीक है, सी एन डी लगाया, सॉरी मैं लिखना भूल गया था, सी एन डी लगाया। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा ये बोलो मुझे, ये सी एन डी है रे, मैं लिखना भूल गया था सॉरी। हाँ मतलब ऊपर मैंने बता दिया था तो मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ बोलोगे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूं डिनोमिनेटर को, बोलोगे तो अच्छा लगेगा। तो कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, रियल पार्ट क्या है डिनोमिनेटर का, रियल पार्ट क्या है? a minus तो किस प्लस आई बी a minus सर वो सर a प्लस वन होगा क्या डिनोमिनेटर में, क्यों ये देख ये a और ये माइनस वन जो है, नहीं ये वाला, ये वाला सर वो डिनोमिनेटर में, तो इसका बात कह रहा है इस वाले में, इस वाले में। हाँ सर, नहीं सर वो नहीं, उसका साइड वाला, इस वाले में। हाँ सर, वो सर रेसिप्रोकल किया था तो सर ऊपर में a प्लस वन था, तो यहाँ रेसिप्रोकल नहीं किया क्या मैंने, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ मैंने गलत लिखा ये, सॉरी ये मैंने गलत लिखा। जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या होगा, जब ऊपर जाएगा तो ये a माइनस वन प्लस आई बी डिवाइडेड बाय a प्लस वन, इस साइड मैंने रेसिप्रोकल नहीं किया था ना, सॉरी रेसिप्रोकल मैंने कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया तो माइनस आई एक्स क्या होगा, a माइनस वन प्लस आई बी डिवाइडेड बाय a प्लस वन प्लस आई बी, किससे मल्टीप्लाई करूं, ठीक है सम थोड़ा लंबा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सम नहीं होगा लंबा, उसके बाद अब मुझे देखोगे क्या होगा, मल्टीप्लाई करता हूं तो नीचे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा बोलो, नीचे का रियल पार्ट क्या है, नीचे का रियल पार्ट क्या है, ए प्लस प्लस वन, ए प्लस वन, इसलिए क्या होगा ये ए प्लस वन प्लस बी स्क्वायर, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए माइनस वन इंटू ए प्लस वन माइनस आई बी इंटू ए माइनस वन, बस ब्रेक कर रहा हूं रे, प्लस आई बी इंटू ए प्लस वन और माइनस प्लस, फिर लास्टली ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये सब तुम लोग को घर में एक बार करना होगा, समझ में आ रहा है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, जस्ट ये मल्टीप्लीकेशन है, इस चीज को रखो, जो समझने वाला बात है वो ऊपर कंपोनेंट एंड डिविडेंड है। माइनस आई एक्स इज इक्वल टू ए माइनस वन इंटू ए प्लस वन, तुम्हारे पास होगा ए स्क्वायर माइनस वन माइनस, ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो आई ए बी प्लस आई बी प्लस आई बी प्लस आई ए बी माइनस वन स्क्वायर, तो ये प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज। अब देखो कैसे ऊपर वाला चीज यूज हो रहा है, ध्यान से देखोगे, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है, ये क्या बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया डिवाइडेड बाय, एकदम ध्यान से देखो क्या ऊपर हमने कुछ प्रूफ किया था, ध्यान से देखो क्या प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था बोलोगे तो अच्छा लगेगा, उसके कारण ये वाला क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा जो कलर में, कलर में कोई बोलेगा तो ठीक है बोलो ना, मुझे भी मालूम है जीरो होता है, मैं बस जानना चाहता हूँ। हाँ प्लस ट्वाइस ए आई बी बाय ए प्लस वन का होल स्क्वायर, ये लास्ट सम है आज का, ये सम तुम्हें क्या बताता है कि नेक्स्ट क्लास हम कैसे सम्स करेंगे, समझ में आया। पहले आज मैंने थ्योरी खत्म करवा दिया, एनसीईआरटी में जितना थ्योरी था,
अब नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि आर्गुमेंट जो है अब वो कोर्स में है नहीं, तो आर्गुमेंट वाला कोर्स में नहीं है। अच्छा माइनस 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 आई एक्स माइनस माइनस का अंतर क्यों पड़ रहा है रे, माइनस का क्या अंतर पड़ रहा है, सेट तरीका कहाँ प्रॉब्लम कर रहा हूँ, ये तेरे पास है वन माइनस ए प्लस आई बी, ये तो माइनस आई एक्स हो जा रहा है मेरे पास, तो ये हो गया ए ये 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 माइनस आई ए बी प्लस आई ए बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस आई बी प्लस आई प्लस आई बी, तो ठीक है तो प्लस आई बी तो प्लस ट्वाइस बी हो रहा है, प्लस ट्वाइस बी, हालांकि माइनस होना चाहिए था, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या मेरा रे, जब मैंने ये माइनस आई ये वन माइनस आई एक्स प्लस और ये वन माइनस आई एक्स माइनस ऑफ वन प्लस आई एक्स, तो माइनस आई एक्स ऊपर ऊपर में लेके चला गया, तो ये माइनस आई एक्स हो गया, ये रेसिप्रोकल आया, ये मेरे पास आया ए माइनस वन ए प्लस वन माइनस आई बी, तो ये माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, तो ये मेरे पास तो माइनस में आ रहा है। अच्छा एक बार ये लिखो, मैं देख लेता हूँ, हो सकता है कि किताब में आंसर गलत दिया हो, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन मुझे लग रहा है, लिख लो तो इसे एक बार, लिखना है तो प्लस माइनस का मुझे क्यों डिफर कर रहा है, एनसीईआरटी में देखता हूँ, मुझे लग रहा है ये एनसीईआरटी का समय, लिखना है तो लिख लो, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक भी मेरा भी हो सकता है, मुझे लग तो नहीं रहा है कि इसने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है मैंने, ओ ठीक है नहीं सही है सॉरी क्वेश्चन गलत लिखा है, क्वेश्चन में ये a माइनस आई बी था, तुम लोग इसे माइनस कर दो, क्वेश्चन में ये a माइनस आई बी था इसे माइनस कर दो, इसे माइनस कर दो, हाँ सही है भाई, क्वेश्चन में ये a माइनस आई बी था तब सही है, ठीक है तो लिखना है तो लिख लो, ये वाला काफी लंबा सम था तो आज मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, हाँ तो मैं कुछ ऐसे सम्स मगर तुम्हें करने के लिए दूंगा मेरे असाइनमेंट में, हाँ नहीं होने से घबराना नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगा, आज हम लोगों ने केवल थ्योरी खत्म किया, नेक्स्ट क्लास में केवल प्रॉब्लम्स करेंगे, लास्ट एक घंटे में जाके आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म थोड़ा सा बता दूंगा, क्योंकि वो अब कोर्स में नहीं है, एनसीईआरटी का ऑलमोस्ट सब प्रॉब्लम को अब तुम ट्राई कर पाओगे, मैं उसका तुम लोग को अभी भेज दूंगा, और अगर तुम्हें टेस्ट मैं भेजूंगा तो काइंडली करके घबराओ मत, देते रहो देते रहो देते रहो, चलो किसी को लिखना है तो लिख लो, ये सर हाँ बोलो बोलते जा सर, वो थर्सडे को पीएसटी क्लास हुआ था क्या, नहीं 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 भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, मैं मैसेज दे दूंगा, घबरा मत, तेरा नंबर रखा हुआ पीएसटी क्लास में मेरा, ओके सर, मेरा भी नंबर है ना, थैंक यू सर, चलो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सर, बाय सर।